आराधिका बताया गया। और पूरी भागवत कथा में राधे रानी समाई हुई है। जो सफेद पन्ने हैं वो श्री राधा रानी है, और जो सफेद पन्नों में काले अक्षर में लिखा है वो श्री कृष्ण का स्वरूप है। इसीलिए कहते हैं कृष्ण के बिना राधा अधूरी है और राधा के बिना कृष्ण अधूरी है। तो आइए सभी मिलकर श्री राधे नाम का उच्चारण करते हैं। हो सकता है राधे नाम का उच्चारण करने से किस रूप में ठाकुर जी आपको दर्शन देने के लिए आ जाए, तो बड़े भाव से यही कहेंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, 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 आएंगे।
जीवन भर हम संसार के बने रहे, घर परिवार के बने रहे, लेकिन ये सात दिन
जो हम प्रभु के गुणगान में बिताते हैं, प्रभु की सेवा में बिताते हैं, अतिथि सत्कार में बिताते हैं। और शास्त्रों में कहा गया है अतिथि देवो भव, चाहे वो संत महात्मा के रूप में हो, ब्राह्मण के रूप में हो, बहन बेटी के रूप में हो, जब आपके घर परिवार या गांव में कोई भी संत महात्मा आते हैं, जब आप उनकी सेवा में लग जाते हैं, उनके सत्कार में लग जाते हैं, तो विश्वास मानो उनसे गोविंद बहुत प्रसन्न होते हैं। और ये जो संत समागम भागवत कथा के रूप में आपके गांव में हो रहा है, देखो कोई एक निमित्त तो बनता है कि अच्छे काम में रुकावटें ज्यादा आती हैं, और शायद कर्म तो सभी करते हैं। हमने भी सोचा भाई कहीं ना कहीं कथा के माध्यम से भगवान के दर्शन कराते रहें, और कहते हैं जब तक भगवान की इच्छा नहीं होती तो एक पत्ता भी इधर से उधर, कितने ही प्लान बनाते रहो, कितने ही कोशिश करते रहो, लेकिन जब तक इसकी मर्जी नहीं होगी, जब तक इसकी रजा नहीं होगी, तब तक वो कार्य नहीं होगा। हम शायद 3 या 4 बार गांव में आए, क्योंकि कथा को काफी समय हो गया था, हर बार कोई ना कोई समस्या आ जाती थी। कहते जन्म और मृत्यु तो परमात्मा के हाथ में है, पिछली बार भी आपने देखा बैनर भी लग गए, सब काम हो गए, लेकिन किसी कारणवश रुकावट आ गई। और ये कथा भी हो रही थी तो इसमें भी कई रुकावटें आई हैं, लेकिन कहते हैं कोई भक्त ऐसा होता है जो जिद्दी होता है, मन कई बार पलटा, लेकिन हमारी सुमित्रा दीदी का मन कहते हैं कि जिद्दी मन है, बोले महाराज आना है तो आना है। एक बार सुमित्रा दीदी के लिए जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे, क्योंकि कईयों का मन पलटा। इन्होंने बोला महाराज आप आओ चाबी मैं दिलवाऊंगी। एक दिन पहले भी ऐसा हुआ कि बैनर लगने के बाद में भी कैंसर की नौबत आ गई थी, कोई कलश नहीं हुए, लेकिन कहते अगर मन में दृढ़ संकल्प होता है कि महाराज हमें तो ठाकुर को बुलाना है, और कहते हैं भक्त के आगे भगवान भी झुक जाते हैं अगर भक्त जिद्दी हो, तभी तो कहते हैं भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, 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 भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। और प्यारे संत महात्मा के रूप में परमात्मा आ जाते हैं, देखो मन में अगर विश्वास हो तो पत्थर में भी भगवान दिख जाएंगे, और विश्वास ना हो तो साक्षात चतुर्भुज रूप में भगवान भी आ जाएं तो पहचान नहीं पाओगे। अब कल सुमित्रा दीदी ने कहते व्यासाय विष्णु रूपाय, जो व्यास पीठ पे विराजमान होते हैं साक्षात विष्णु का स्वरूप होता है, अगर मानो तो कल सुमित्रा दीदी ने बड़ी भाव और श्रद्धा के साथ व्यास जी का आदर सम्मान किया, और कहते हैं चाहे पुष्प ले आओ, भगवान धन का भूखा नहीं है, वो तो भाव का भूखा है। और कल बड़े भाव से बड़ी श्रद्धा के साथ हमारे दीदी ने हमारा पटके के साथ में स्वागत किया, हमारी लता दीदी का स्वागत किया, एक बार इनके लिए जोरदार दोबारा ताजे का स्वागत करेंगे।
कहते हैं जो भगवान का आदर करते हैं, संत महात्मा का आदर करते हैं, एक ना एक दिन भगवान उनके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जो आदमी सोच भी नहीं पाता, आगे से आगे चमत्कार करता है। और हम कहते हैं जो भी भगवान की सेवा करेगा, भगवान किसी न किसी रूप में उसके घर में भंडार अवश्य भरेगा। इसीलिए प्यारे कि जितना हो सके परमात्मा की सेवा से जुड़ जाओ, परमात्मा की सेवा में लग जाओ, ना जाने किस रूप में ठाकुर जी आपको दर्शन देने आ जाए। और कल आप सभी ने बहुत ही सुंदर वामन भगवान के दर्शन किए। कहते हैं जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान को कई रूपों में आना पड़ता है। और जब जब किसी में अभिमान आ जाए, उस अभिमान को दूर करने के लिए भगवान को कई लीलाएं भी करनी पड़ती हैं। उन्हीं लीलाओं में एक लीला थी वामन भगवान की लीला। ध्यान देना, क्या आवश्यकता पड़ गई उनको वामन भगवान बनने की, क्योंकि राजा बलि में एक अहंकार अभिमान आ गया। राजा बलि थे तो राक्षसों के राजा, जिन्होंने सभी देवी देवताओं को युद्ध में जीतकर उनका धन अपने अधिकार में कर लिया। सभी देवताओं की माता अदिति ने कहा, हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप किसी भी रूप में आकर मेरे पुत्रों का राजपाट वापस दिलाओ। और उनकी प्रार्थना साक्षात मेरे नारायण तक पहुंची। देखो एक बात हम आपको बता देते हैं कि संसार में सबसे मजबूत सबसे ठोस वस्तु क्या है, लोहा। कहते हैं सबसे सख्त होता है, सबसे कठोर होता है, लेकिन उससे भी एक ताकतवर चीज होती है, क्या, आग, जो उस लोहे को पिघला देती है। अब उस आग से भी ज्यादा ताकतवर चीज क्या है, पानी, जो उस आग को बुझा देती है। अब उस पानी से भी ताकतवर क्या है, ध्यान देना, उस पानी से ताकतवर है इंसान, जो उस पानी को ही पी जाता है। अब उस इंसान से ताकतवर क्या है, उस इंसान से ताकतवर है मृत्यु, जो उस इंसान को ही खा जाती है। अब उस मृत्यु से ताकतवर क्या है, ध्यान देना, उस मृत्यु से ताकतवर है प्रार्थना, जो उस मृत्यु को भी टाल सकती है अगर सच्चे दिल से प्रार्थना की जाए। कई बार आपने देखा है ना, कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पे होता है, अंतिम सांसें गिन रहा है, लेकिन ना जाने किसकी दुआ काम आ जाती है, ना जाने किसकी प्रार्थना काम आ जाती है। इसीलिए कह रहे भगवान से हमेशा प्रार्थना करते रहो कि हे गोविंद, सबका भला हो। और जब सबका भला होगा तो प्यारे आपका भला अपने आप हो जाएगा। और प्यारे माता अदिति की प्रार्थना सुनकर श्री हरि नारायण भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और कहा कि मां, चिंता मत कर, तेरी प्रार्थना से मैं तेरे पास आया हूं और मैं वचन देता हूं कि तेरे सारे पुत्रों का राजपाट मैं स्वयं वापस दिलाऊंगा, और वापस ही नहीं पुत्र के रूप में तेरे पास आऊंगा। और उसी माता अदिति के गर्भ से पुत्र उत्पन्न हुआ और ब्राह्मण ने उसका नाम रखा वामन। बोले श्री हरि वामन भगवान की जय। और तेरे जब वो वामन भगवान मात्र 5 वर्ष के हुए, कितने वर्ष के, 5 वर्ष के, उन्हें पता चला
राजा बलि ने एक महान यज्ञ किया है, बड़े ध्यान से सुनना, जहां जगह मिले बैठ जाओ। राजा बलि ने महान यज्ञ किया है और उस यज्ञ में बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया, और राजा बलि जिस ब्राह्मण को एक बार दान दे देते थे, राजा बलि जिस ब्राह्मण को एक बार दक्षिणा दे देते थे, फिर वो ब्राह्मण किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था, इतना दान दक्षिणा देते थे। इतना दान देने के बाद में भी राजा बलि में एक अवगुण था, क्या कि उनमें अहंकार था, उनमें अभिमान था। क्या अभिमान था? संसार में मेरे से बड़ा कोई दानी नहीं। देखो, दान देना बहुत अच्छी बात है, सेवा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सेवा करने के बाद ये कहना कि मैंने इतना दान दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने अकेले भंडारा कर दिया, प्यारे ये वो नहीं, उसका अहंकार, उसका अभिमान बोल रहा है। जितना दान का सेवा का बखान होता है, उसका फल उतना कम होता है, ध्यान देना। दान कैसा होना चाहिए? जो इस हाथ से दान दिया जाए तो इस हाथ को या तो आप जानो या ठाकुर जाने, वो सच्चा दान होता है। आपने बड़े बड़े पंडालों में देखा होगा, ध्यान देना सज्जनों, आपने बड़े बड़े पंडालों में देखा होगा, कोई 1 लाख रुपए का दान कर रहा है, गुप्ता जी ने 1 लाख रुपए दी, हां जी बातें नहीं, कोई कहता है मैंने 51,000 का दान दिया, क्योंकि वो संसार को दिखाना चाहते हैं कि गुप्ता जी धनवान हैं, वो संसार को दिखाना चाहते हैं कि राणा जी बहुत पैसे वाले हैं। प्यारे, संसार को मत दिखाना, चाहे 1 रुपया देना, लेकिन वो संसार के लिए नहीं प्यारे, वो मेरे गोविंद के लिए होना चाहिए, वो धर्म के लिए होना चाहिए। आप जहां भी सेवा करो, जहां भी दान करो, दान कैसा होना चाहिए? जो उस दान को, उस सेवा को लोग प्रणाम करें। अच्छा, एक बात बताओ, आप 4 मंजिल मकान बना लो, 1.5 करोड़ रुपया लगा दो, और उस मकान को देखकर आपके पड़ोसी प्रणाम करेंगे या जलेंगे? प्रणाम करेंगे। देखो, 4 मंजिल मकान तो बना दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन पड़ोसी तो थोड़ा धन वहां भी लगाओ, थोड़ी सेवा वहां भी करो, जो आपके द्वारा दी गई सेवा को लोग प्रणाम भी करें। आपने मंदिर में अगर 1 ईंट भी लगा दी, ध्यान देना, आपकी गुंजाइश 1 ईंट की है तो 1 ईंट लगवा दी, अब बनने के बाद में जो मंदिर में लोग भगवान को प्रणाम करेंगे, वो भगवान को नहीं, कह रहे आपकी दी हुई 1 ईंट की सेवा को भी प्रणाम किया जाएगा। और जो भागवत कथा में किसी भी रूप में सेवा करते हैं, चाहे भंडारे के रूप में सेवा हो या कन्यादान के रूप में दी गई सेवा हो, जब वो सेवा भंडारे में लगती है, जिसे सब प्रसाद पाते हैं, और जो व्यास पीठ पे प्रणाम करता है, यारे वो व्यास पीठ को नहीं, आपकी दी हुई सेवा को प्रणाम किया जाता है। इसीलिए कहते हैं ज्ञान की गंगा की सेवा के साथ में, सेवा की ज्ञान गंगा में भी गोते लगाते रहो, जिसे जो भी प्रणाम करे, आपकी दी हुई नेक कमाई को भी प्रणाम किया जाए। लेकिन प्यारे, कई महान आत्माओं का एक भाव होता है कि चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए, कि ऐसे महाकंजूस हमारी नजर में बहुत बड़े दानी होते हैं, ना वो खुद खाते ना किसी को खाने देते, हमेशा इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, लेकिन जब उसकी मृत्यु होती है, सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं और प्यारे सारा धन दूसरे ही लेते हैं।
इसलिए प्यारे जीते जी ऐसा कर्म करो, कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारा ढंग से संस्कार भी करवाएंगे। हमने ऐसे ऐसे देखे हैं, माता पिता पूरी जिंदगी बच्चों के लिए करते हैं, जब उन माता पिता की मृत्यु होती है ना, उनके संस्कार के लिए उनके शैया दान के लिए पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी सस्ते में काम कर लो, शैया दान में भी ऐसा सामान देते हैं। और ये सच बात है, जो अपने पितरों के निमित्त, अपने माता पिता के संस्कार के निमित्त जो ब्राह्मण को दान दिया जाता है प्यारे, वो उनको लगता है, ये पक्की बात है। ये जानते हुए भी वो ऐसा दान करते हैं, छतरी लाते हैं खोलने से पहले टूट जाती है, चप्पल लाते हैं जो पंडित जी के पैरों में नहीं आती, ऐसी ऐसी चीजें लाते हैं प्यारे जो किसी काम की नहीं। तो सोचो जिनके लिए तुमने सब कुछ किया, कोई गारंटी नहीं कि तुम्हारे लिए कुछ कोई कर ले। इसीलिए प्यारे जीते जी ऐसा काम करके चलो जो किसी के विसर रहने की जरूरत नहीं, कि बच्चे करे ना करे अपने हाथ से खूब सेवा खूब दान पुण्य करो, क्योंकि संत महात्मा सेवा का बहुत बड़ा महत्व बताते हैं। और ये सच्चाई है कि संसार में कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। इसलिए बार बार हम सत्संग के द्वारा कथा के द्वारा बताते हैं और क्या कहते हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, संभल जाओ, परमात्मा से धर्म के कार्यों से जुड़ जाओ। क्या कहना है, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्या करता है, क्या बेटा क्या करता है, बेटा 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 क्या करता है, बेटा 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 क्या करता है, बेटा तेरा से ममता छोड़ दे पगले।
से कम जब सत्संग में बैठो उस तरफ थोड़ा सा ध्यान हटा के परमात्मा से जोड़ दो, विश्वास मानो, तुम्हारी मुक्ति जीते जी हो जाएगी क्या। और ये सच्चाई है, कितने भी ममता कर लो, कितने भी माया से जकड़ लो, सब कुछ यही रह जाएगा। और पता कब चलता है, जब अंत समय आता है। धन दौलत तेरे को भी मंग ले, 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 इनसे ममता छोड़ दे पगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले, क्यों छोड़ दे, सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा, 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 मिट्टी का खिलौना भी मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना भी मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, 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 मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। क्योंकि प्यारे ये सच्चाई है। एक मटके से किसी ने पूछा कि तुम इतने शीतल क्यों हो, इतने ठंडे क्यों हो। मटके ने बहुत सुंदर जवाब दिया, जिसकी शुरुआत भी मिट्टी से हुई और जिसका अंत भी मिट्टी में, उसे शीतल नहीं रहे तो क्या रहे, क्यों क्यों गर्म हुए। और इस इंसान को देख लो, इसे भी पता है कि इसकी शुरुआत भी मिट्टी से हुई और अंत भी, फिर भी अभिमान में जीता है, फिर भी अहंकार में जीता है। ध्यान देना, ऐसे राजा बलि जो अभिमान में था कि संसार में मेरे से बड़ा कोई दानी नहीं, ध्यान देना, भगवान सबके अंदर गुण भी डालता है और अवगुण भी भरता है। ऐसा कोई इंसान नहीं जो सर्वगुण संपन्न हो। आपने देखा होगा कोई स्त्री, कोई महिला जिसके सुंदर नयन नक्श होंगे, गोरा रंग होगा, सुंदर चेहरा होगा, ये उसका गुण है। लेकिन अवगुण क्या मिलेगा कि वो नाटे कद की होगी, छोटे कद की होगी। कई आपने ऐसे देखे होंगे, 6 फुट का शरीर होगा, बलवान होगा, ताकत बहुत होगी, ये उसका गुण है। लेकिन ऐसे देखे होंगे जो सब कुछ होते हुए भी मंदबुद्धि मिलेंगे, ये उसका अवगुण है। ऐसे ही कोयल, कोयल कितना मधुर गाती है ये उसका गुण है, लेकिन अवगुण क्या है कि वो काली है। ऐसे ही सागर, उसका गुण क्या है, उसमें अतः जल भरा पड़ा है, अतः पानी भरा पड़ा है, ये उसका गुण है। लेकिन अवगुण क्या है कि वो खारा है, उसका जल किसी काम का नहीं। ऐसे फूल, फूल में गुण है कि उसमें खुशबू बड़ी अच्छी आती है, लेकिन अवगुण क्या है कि उसमें लंबे लंबे कांटे हैं। ध्यान देना, अब इस इंसान को देख लो, ये इंसान कोयल के पास जाता है, कहता है कोयल तू अगर काली ना होती तो कितना अच्छा होता। ये इंसान उसका गुण नहीं देख रहा, कमियां देख रहा है। वही इंसान सागर के पास जाता है और कहता है कि ऐ सागर तू अगर खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। और वही इंसान फूल के पास जाता और कहता है कि ए फूल तुझ में अगर कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। अब वही कोयल
सागर और फूल तीनों मिलकर इंसान के पास आते हैं और कहते हैं कि ए इंसान, तुझमें अगर दूसरों में कमियां निकालने की आदत ना होती तो कितना अच्छा होता। ये इंसान दूसरों में कमियां निकालने में ही लगा रहता है, फट दे के दूसरों पे उंगली उठा देता है और भूल जाता है कि एक उंगली हमने दूसरे पे की है तो तीन उंगली कहां है। अरे प्यारे, एक बार अपने मन में झांक लेना, दूसरों पे उंगली उठाना बंद कर दोगे। ये इंसान जो भजन गाता है ना, माला फेरता है, मंत्र पढ़ता है, सबसे बड़ा भजन क्या है? क्या आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। हाँ, आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। जिसने पूरी जिंदगी कोई दान पुण्य नहीं किया, कोई सेवा नहीं की, किसी को अन्न का दान नहीं दिया, किसी को जल का दान नहीं दिया, सारी जिंदगी धन इकट्ठा करने में लगा रहा, ध्यान देना, सब उससे पूछते कि बाबा इतने धन का क्या करोगे। तब बूढ़ा बाबा कहता है कि तुम्हें क्या पता मैं इतने धन का क्या करूंगा, अरे बुढ़ापे में जब बीमार हो जाऊंगा तो धन कहां से लाऊंगा, उस समय धन कौन देगा, ये धन उस समय काम आएगा, ध्यान देना। कभी भी ये मत सोचना कि हमारा धन बीमारी में लगे, वरना जैसा सोचोगे वैसा ही होगा, ध्यान देना। जैसा मन में विचार होता है नजारा अपने आप बन जाता है, इसलिए कभी मत सोचो कि हमारा धन हरी बीमारी में लगे, यही कहना कि हमारा धन अच्छे कार्यों में लगे, हमारा धन सेवा में लगे। अब प्यारे नहीं माना, वो केवल धन जोड़ता रहा, ना खुद खाता ना बच्चों को देता, बच्चे भी परेशान, लेकिन क्या करें, पिताजी हैं। अब धीरे धीरे उसकी काया खराब होने लगी। अब जब प्राण निकलने वाले थे तो कहते हैं बिच्छू जैसे कांटे दसते हैं, जैसे सांप दसता है ना, ऐसा महसूस होता है। लेकिन प्राण कब निकलते हैं, जब भगवान की मर्जी होती है। अब वो बूढ़ा बाबा तड़पता रहा, लेकिन प्राण नहीं निकल रहे। कहते हैं किसी का किसी के ऊपर प्राण अटका होता है, कहते हैं किसी के बेटों में प्राण होते हैं, जब तक बेटा नहीं आता वो तड़पता रहता है, और जैसे ही बेटा गले लगता है प्राण छूट जाते हैं। किसी का बेटियों में प्राण अटका होता है, किसी का धन में प्राण अटका होता है, ध्यान देना। अब जब प्राण नहीं निकल रहे तो बूढ़ा बाबा अपने बच्चों से कहता है कि बेटा एक काम कर दो। बच्चों ने कहा पिताजी बोलो, जरा पंडित जी को बुला लो, आज तक पंडित जी याद नहीं आए, पंडित जी को बुला लो। बोले क्यों? बोले उनसे मेरी मुक्ति का उपाय पूछ लो, आज तक मुक्ति का उपाय किया नहीं, लेकिन अंत समय में वो कह रहे कि पंडित जी को बुलाओ, मुक्ति का उपाय पूछ लो। चलो अंत समय में तो पंडित जी याद आए, तो बच्चे गए पंडित जी को बुला के ले आए। पंडित जी ने अपना पंचांग खोला, पंडित जी कहने लगे लगता है तुम्हारे पिताजी ने कभी कोई पूजा पाठ नहीं की। बोले बिल्कुल सही कहा। कभी कोई दान पुण्य नहीं किया। बोले बिल्कुल सही कहा। किसी को अन्न का दान, जल का दान, धन का दान कुछ नहीं किया। बोले महाराज आपने बिल्कुल सही कहा।
फिर भी कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे मेरे पिताजी की मुक्ति हो जाए। पंडित जी ने कहा एक उपाय है, अंत समय में इनके हाथों से सोने की गाय दान करवा दो। किसकी गाय? अब पिताजी अंतिम सांसें गिन रहे थे, आज तक उन्होंने नया एक पैसा दान नहीं किया और पंडित जी सोने की गाय दान करवा रहे हैं। जैसे कानों में सोने की गाय का नाम पड़ सुना, अरे बेटा पंडित जी को भगा दो, हमें कोई सोने की गाय वाय दान नहीं करनी, आज तक मैंने एक रुपये दान नहीं किया, पंडित जी सोने की गाय दान करवाते हैं, हमें नहीं करवानी। अब बेचारे बच्चों ने पंडित जी को खाली हाथ भेज दिया। और प्यारे पंडित जी चले गए, लेकिन उसके प्राण अभी भी नहीं निकले, तड़प रहे हैं पिताजी। जब ज्यादा तड़पने लगे फिर पिताजी ने कहा अरे बेटा पंडित जी को बुला लाओ, लेकिन एक काम कहो उनसे, कोई सस्ता सा उपाय बता दो, सोने की गाय तो देंगे नहीं, कोई सस्ता सा उपाय बता दो। अब बच्चे पंडित जी को बुला के लाए, अरे पंडित जी हमारे पिताजी सोने की गाय तो देंगे नहीं, कोई सस्ता सा उपाय बता दो। अब पंडित जी ने कहा भैया देनी तो सोने की गाय ही पड़ेगी, तभी मुक्ति मिलेगी, लेकिन एक उपाय है। बोले क्या? बोले सोने की गाय के ऊपर गोबर लिपटा देना, सोने की गाय के ऊपर गोबर लिपटा देना और पिताजी से कहना गोबर वाली गाय दान की है। अब बच्चों ने सोने की गाय बनवा दी और पिताजी से कहा देखो पिताजी गोबर वाली गाय दान करी है, क्योंकि उसके ऊपर गोबर लिपटा दिया था। अब पिताजी भी बड़े पक्के हाथ लगा के चेक कर रहे हैं, जैसे ही हाथों में गोबर रखा, हाँ है तो गोबर वाली, जैसे ही हाथ लगाया गौ माता के प्यारे, उसी समय प्राण पखेरु उड़ गए, पिताजी की मृत्यु हो गई। अच्छा एक बात बताना, जब किसी की मृत्यु होती है उसके बाद उसके नाम के आगे स्वर्गीय लिख देते हैं, लिखते हैं ना, क्यों लिखा जाता है स्वर्गीय? कोई गारंटी है कि वो स्वर्ग में ही गए हैं? ध्यान देना सज्जनों, जो आप सोने के गहने पहन के बैठे हो ना, चाहे कंगन के रूप में, बालियों के रूप में, चूड़ियों के रूप में, ये सोना ऐसे ही शुद्ध नहीं होता, पहले इसे खूब गलाया जाता है, खूब तपाया जाता है, तब जाके ये शुद्ध होता है, तब जाके इसमें चमक आती है, ध्यान देना। ऐसे ये इंसान है, जीते जी ये इंसान बहुत पाप करता है, चाहे जानबूझ के करे चाहे आजा बेटा। तो जब इस इंसान की मृत्यु होती है, आपने देखा होगा जब किसी की मृत्यु होती है उसे गरुड़ पुराण सुनाया जाता है उसके बाद, और गरुड़ पुराण में नरकों का वर्णन होता है और 27 नरकों में एक नरक है जिसका नाम है वैतरणी नदी। कौन सा नदी? कि इसमें उसे पार करना पड़ता है और उस नदी में कीचड़, बिच्छू, सांप, ना जाने कितने कीड़े मकोड़े होते हैं, खून पीप, ना जाने कितना गंद भरा पड़ा होता है, उसमें से उसको पार करके जाना पड़ता है। लेकिन जो जीते जी वो दान पुण्य करता है ना, रास्ते में उससे पार करते समय मिलता है, ध्यान देना। जो हम कहते हैं कि तुम अन्न का दान करो, जो हम कहते हैं तुम जल का दान करो, ये उस समय मिलता है जब वो जीव वैतरणी नदी पार करता है। अब जैसे वो बूढ़ा बाबा ऊपर गया, वैतरणी नदी पार करनी थी,
क्या देखा? कोई मालपुए खाते हुए जा रहा है, कोई रसमलाई खाते हुए जा रहा है। क्यों? उसने अन्न का दान किया था। जिसने जल का दान किया खूब शरबत पीता हुआ जा रहा है, क्योंकि उसने जल का दान किया। जिन्होंने धन का दान किया था वो पालकी में बैठकर पंखा हिलवाते हुए जा रहे हैं, सेवा करवाते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भागवत कथा में या किसी भी धर्म के कार्य में धन से सेवा की थी। अब जिन्होंने कोई सेवा नहीं की प्यारे, वो उस कीचड़ में, उस नदी में रेंगते हुए जा रहे, तड़पते हुए जा रहे हैं। उस बूढ़े बाबा ने देखा ये हाल होता है। तो मैंने धरती पे खूब सुना था संत महात्माओं के मुख से कि धन का दान करोगे, जल का दान करोगे, अन्न का दान करोगे तो तुम्हें ऊपर मिलेगा। आज देख भी लिया, जिन्होंने अन्न का दान किया वो खाते पीते जा रहे हैं, जिन्होंने धन का दान दिया वो सुख साधन से जा रहे हैं, और जिन्होंने कुछ नहीं किया वो तड़पते हुए जा रहे हैं। अब उस बूढ़े बाबा को अपनी चिंता सताने लगी कि मैंने भी कुछ नहीं किया। लेकिन तभी याद आ गया, अरे मैंने कुछ नहीं किया तो क्या हुआ, मेरे बच्चों ने तो मेरे लिए दान किया है। अंत समय में कौन सा दान किया था? कौन से वाली गाय? सोने वाली। तो बच्चों को पता थी, उसको क्या पता थी? गोबर वाली गाय। चलो कोई बात नहीं, सस्ते में काम चल गया, मैं गोबर वाली गाय की पूंछ पकड़ के ही वैतरणी नदी पार कर लूंगा। अब जैसे ही उस बूढ़े बाबा ने गोबर वाली गाय की पूंछ पकड़ी, गाय चलने लगी। अब जैसे थोड़ा सा रास्ता पार हुआ, बूढ़ा बाबा बड़ा खुश था कि लोग तो पागल थे जो धन का दान किया, अन्न का दान किया। अब क्या हुआ, सावन का महीना था, बारिश चालू हो गई। जैसे बारिश आई, प्यारे जो वो गोबर वाली गाय में गोबर लगा था वो सारा धुल गया। अब जैसे ही गोबर धुला तो वो सोने की गाय निकल गई। अब जैसे ही सोने की गाय निकली, बूढ़ा बाबा जोर से चिल्लाया, हाय मेरे बच्चों ने मुझे लूट लिया, हाय मेरे बच्चों ने मुझे लूट लिया। अब तक तो पकड़ रखा था पूंछ को, जब दोनों हाथ छोड़ दिए, भैया धन चला गया, अभी भी मोह माया छूटी नहीं। और प्यारे जैसे ही हाथ छोड़े, गाय तो आगे चली गई, प्यारे वो नदी में ही गिर गया। प्यारे कहने का भाव क्या है कि प्यारे ये धन दौलत जमीन जायदाद ये कुछ भी साथ नहीं जाएगा जिसके पीछे आप पड़े हो। हाँ, इसे शुद्ध करने के लिए और अपना प्रारब्ध सुधारने के लिए, क्योंकि जिसका बीज अच्छा होता है उसका वृक्ष अच्छा होता है, जिसका वृक्ष अच्छा होता है प्यारे उसका फल अपने आप अच्छा मिलता है। इसीलिए अभी से आप सत्कर्म रूपी बीज बोना चालू कर दो, सेवा भी रूपी बीज बोना चालू कर दो। अब राजा बली अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, तभी वामन भगवान को मौका मिल गया कि आज जो मैंने अपनी मां को वचन दिया था, राजा बली से सभी देवी देवताओं को राज वापस दिलाऊंगा, वही वामन भगवान छोटे से ब्राह्मण के रूप में राजा बली की सभा में पहुंच गए। आपने देखा कल कितना सुंदर रूप था वामन भगवान का, छोटे से ब्राह्मण बन के आए, कितने सुंदर लग रहे थे। जैसे उस छोटे से वामन भगवान को देखकर जो ब्राह्मण के रूप में आए, राजा बलि अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए, बड़ा आदर सत्कार किया। क्यों? क्योंकि राजा बलि को पता है ब्राह्मण चाहे छोटा हो या बड़ा हो हमेशा आदरणीय होता है, हमेशा पूजनीय होता है। अच्छा, आपको एक बात और बता दें कि वामन भगवान छोटे से ब्राह्मण के रूप में ही क्यों आए? अरे वो औरों की तरह बड़े ब्राह्मण बन के भी तो आ सकते थे, क्या आवश्यकता थी छोटे से ब्राह्मण बनने की? तो सज्जनों आपको बता दें कि भगवान की हर लीलाओं में कोई ना कोई शिक्षा छिपी है, कोई ना कोई रहस्य छिपा है, और शिक्षा उसी को मिलती है जो कथा को ध्यान से सुनता है। तो वामन भगवान छोटे ब्राह्मण बन के इसलिए आए
क्योंकि वो आप सबको शिक्षा दे रहे हैं कि जब तुम किसी के पास मांगने के लिए जाते हो, जब तुम किसी के पास मांगने के लिए जाते हो प्यारे छोटे बन जाते हो, और जिसके पास मांगने जाते हो चाहे उसके पास देने के लिए कुछ ना हो वो अपने आप को बड़ा मान लेता है कि देखो ये मेरे पास मांगने के लिए आए हैं। इसीलिए कहते हैं जब तुम्हें कोई आवश्यकता हो संसार से भूल के मत मांगना। हम कथा में बार बार कहते हैं कि प्यारे कि जब भी झोली पसारो अपने गोविंद के आगे पसारो। अगर संसार के आगे झोली पसार दी तो सिवाय अपमान के कुछ नहीं मिलेगा। और जिसे भगवान पे भरोसा होता है उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, उसे घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी चिंता मेरा ठाकुर करता है। और वो हमेशा यही कहता है क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, जिसका पड़ोसन से जाता है बिल्कुल ना बोले। क्या मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम चलाता है। जरूरत को
आवश्यकता हो, झोली पसारनी है तो मेरे गोविंद के आगे पसारना, फिर चमत्कार देख लेना। मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिन मांगे मेरा ठाकुर तुम्हारी झोली भर देगा। क्या जब जब मुझ पे पड़ती है दरकार, जब जब मुझ पे पड़ती है दरकार, शाम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, जब जब मुझ पे पड़ती है दरकार, शाम हमेशा रहता है तैयार, शाम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, शाम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम मेरे जीवन का आधार, श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम मेरे जीवन का आधार। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, श्याम आता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, शाम चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से जाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से जाता है, मेरा तो शाम से जाता है, मेरा तो शाम से नाता है। और प्यारे, जिसका शाम से नाता है उसे घबराने की जरूरत नहीं, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी चिंता मेरा शाम करता है। ध्यान देना, इसीलिए जब भी मौका मिले अपने तन मन, और भगवान ने तुम्हें इतना सामर्थ्य दिया है कि हम धर्म के कार्य में अपनी नेक कमाई से भी सेवा कर सकें, तो प्यारे इस कार्य में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। ये भागवत कथा आप सभी के सहयोग से हो रही है, किसी को ये ना लगे कि कोई अकेला कथा करवा रहा है। और 4 तारीख को श्रीमद् भागवत कथा का संपूर्ण हवन, और उसके बाद भंडारे की व्यवस्था भी है, कुछ सामान भंडारे का आ गया है और कुछ सेवा अभी थोड़ी बाकी है, क्योंकि आपकी थोड़ी थोड़ी सेवा से कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, क्योंकि जिसके हाथों से सेवा होती है वो 56 भोग बन के प्यारे भगवान के भक्तों में ही बढ़ता है। तो इसी भंडारे में जो अपने सामर्थ्य अनुसार सेवा करना चाहे, किसी पे कोई दबाव नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर लगता है कि ठाकुर ने भी इस लायक बनाया है कि हम भी भगवान के कार्य में भगवान की दी हुई जो हमारे पास सेवा है उसे शबरी बनकर अर्पण कर सकें, तो प्यारे व्यासपीठ से आपका हार्दिक स्वागत है। जो भी भंडारे में चाहे नगद राशि के रूप में सेवा करना चाहे, चाहे भंडारे के किसी भी रूप में सामान के रूप में सेवा करना चाहे, वो लता दीदी को अपनी सेवा अवश्य दिखवाएं, और इस ज्ञान की गंगा के साथ सेवा की गंगा में भी स्नान कर सकते हैं। आइए, कुछ दानदाताओं ने भागवत कथा में और कुछ भंडारे में सेवा आई है, इन सब के लिए जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। श्री राम। सुमेश जी ने 10 किलो चीनी और 5 किलो सूजी प्रदान किया भंडारे में, इनके लिए एक बार जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। कृष्णा जी ने 2 किलो सूजी और 2 किलो बेसन, और एक गुप्त दान आया है 50 किलो आटा, 2 किलो नमक और 5 किलो सरसों का तेल, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। एक और गुप्त दान है 1 टीन सरसों का तेल और 10 किलो चीनी।
एक बार जोरदार तालियां। नीलू जी ने 10 किलो आलू और 250 ग्राम हल्दी का भंडारे में अपना योगदान दिया है। गुलाब जी ने 1 किलो गोले का बुरादा। जितेंद्र जी सन ऑफ जयपाल थानेदार जी के घर से 10 किलो आटा और 10 किलो चीनी। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। सचिदानंद जी की तरफ से 20 किलो आटा भंडारे में आया है। इनके लिए सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। और एक गुप्त दान आया है 302 रुपए नगद राशि के रूप में। एक गुप्त दान है 1100 रुपए। एक और गुप्त दान है भंडारे में 500 रुपए। एक और गुप्त दान है 101 रुपए। इन सबके लिए एक बार तालियों का स्वागत करेंगे। परमात्मा इन सबके भंडारे भरपूर रखे। और आप सभी को एक सूचना दे रहे हैं कि भंडारे की जो सामग्री रह गई है केवल उसी को लाएं। आटा पूरा हो चुका है, कोई भी आटा ना लाएं। और तेल भी पूरा हो गया है। जो सामान बाकी है उसका नाम हम अनाउंस करने जा रहे हैं। जो भी अपनी श्रद्धा अनुसार प्रदान करना चाहे हमसे पूछ कर ही दे। हलवे के प्रसाद के लिए घी की आवश्यकता है। जो कोई जितना भी श्रद्धा अनुसार घी देना चाहे वो यहाँ आके लिखवा सकते हैं। आलू, टमाटर, मसाले, पत्तल, सिलेंडर और टेंट वाले का सामान और हलवाई की नगद राशि की सेवा। ये सामान अभी बाकी है। जो कोई भी देना चाहे वो हमसे आकर लिस्ट ले ले और नगद राशि प्रदान कर सकते हैं या सामान के रूप में। आपको बार बार ये बताया जाता है सामान जो भी दे अब यहाँ से पूछ कर ही दे। जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम से बोलना पड़ेगा श्री राधे। देखो एक जगह हम कथा कर रहे थे और कथा में ये सेवा बोली जा रही थी कि 5 किलो आटा, 1 किलो चीनी या 1 किलो घी या कोई भी सेवा बोल रही थी। एक सेठानी बैठी थी, बोले महाराज जी क्या 1-1 किलो, 2-2 किलो, 5-5 किलो आप किसी एक से एक साथ ही क्यों नहीं ले लेते, कोई मना थोड़ा करेगा। तब हमने उन्हें समझाया कि प्यारे एक कथा होती है केवल एक की और एक कथा होती है अनेक की। जो अकेला करता है ना उसके अंदर ना करते हुए भी थोड़ा सा अंदर मैं आ जाता है कि मैं करवा रहा हूं। लेकिन ये सामूहिक कथा है, ध्यान देना, जिसमें किसी का कोई भेदभाव नहीं है। चाहे कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, कोई कैसा भी हो, जैसे हर माता पिता के चाहे बच्चे कितने छोटे बड़े हो लेकिन प्रेम बराबर रहता है, ऐसे ही परमात्मा के हम सब बच्चे हैं, परमात्मा के लिए हम सब बराबर हैं। अब ये धर्म तो हमने बांट दिए, जातियां बट गई, धर्म बट गए, सब कुछ बट गया, लेकिन इंसान नहीं बटे। इंसान तो वही है, खून का रंग भी सबका अलग तो नहीं है। और जो नील गगन है जिसके छत्र छाया में हम बैठे हैं ये भी नहीं बटा, सबके सब उसी छत्र छाया के नीचे ही हैं, परमात्मा की शरण में हैं। तो उसके लिए भी हमारा फर्ज बनता है, जो माता पिता हमारा ख्याल रखते हैं, जो परम पिता हमारा ख्याल रखता है, उसके कार्य में हम जब मिलकर कार्य करते हैं तो विश्वास मानो ठाकुर बड़ा खुश होता है कि देखो मैंने ये सृष्टि बनाई जिसकी आप सब कठपुतलियां हो। ध्यान देना, जब तक मेरे ठाकुर की रजा होती है ये कठपुतली चलती रहती है और जिस दिन उसकी मर्जी होती है
तेरे हाथ पांव चलने कब बंद हो जाए कुछ पता नहीं। इसलिए जब तक हाथ पैर चलते रहे भगवान की सेवा में हमेशा आगे बढ़ते रहो और उसके कार्य में अपने सामर्थ्य अनुसार सेवा प्रदान करके उस कार्य को संपन्न बना सकते हैं। और जैसे ही वामन भगवान जो ब्राह्मण के रूप में राजा बलि की सभा में पहुंचे, राजा बलि ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया, बोले हे ब्राह्मण देवता, हमारे बड़े सौभाग्य जो आप जैसे ब्राह्मण पधारे। हमारे यहाँ बड़े बड़े ब्राह्मण आए, हमने उन्हें इन्हीं इतनी दान दक्षिणा दी कि जिसे हम दान दे देते हैं वो फिर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, लेकिन आप जैसे छोटे ब्राह्मण भी आए हैं, आपकी जो इच्छा हो मांग लो। ध्यान देना, आपकी जो इच्छा हो मांग लो, मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मैं नहीं दे सकता, एक बार मांग के तो देखो। इतना सुनकर ब्राह्मण देवता मुस्कुराने लगे और कहने लगे, राजा बलि, हमें पता है आपके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं जो तुम नहीं दे सकते, लेकिन हमारी ज्यादा इच्छा भी नहीं है। बड़े ध्यान से सुनना, हमारी ज्यादा इच्छा भी नहीं है, क्योंकि संसार के सभी सुख साधन भी आ जाएं तो मनुष्य की इच्छा समाप्त नहीं होती। ध्यान देना, जितनी पूरी होंगी उससे ज्यादा बढ़ने चालू हो जाएंगी। 10 इच्छाएं पूरी हो जाएं, एक अधूरी रह जाए तो इंसान दुखी हो जाता है कि भगवान तो मेरी सुनते ही नहीं। और प्यारी इच्छा क्या है? एक इच्छा होती है और एक आवश्यकता होती है। एक इच्छा और एक आवश्यकता, इन दोनों में अंतर बताते हैं आपको। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण सज्जनों, आपको बता रहे थे इच्छा और आवश्यकता में क्या फर्क है। कि आवश्यकता तुम्हारे पेट की, अगर पेट में भूख लग रही है तो दाल रोटी से भी काम चल सकता है, दाल रोटी से भी पेट भर सकता है, क्योंकि शरीर की आवश्यकता है। लेकिन इच्छा क्या है? आजकल बच्चों की इच्छा क्या होती है? हमें तो पिज्जा खाना है, हमें बर्गर खाना है, हमें मोमो चौमिन ना जाने क्या क्या खाना है। और एक इच्छा और जागृत हो रही है लोगों में, क्या? मुरथल के पराठे की। किस किस ने नाम सुना है मुरथल के पराठों का? देखो ध्यान देना सज्जनों, जितने के पराठे नहीं होते उससे ज्यादा का तो पेट्रोल लग जाता है। जितने के पराठे नहीं होते उससे ज्यादा का तेल लग जाता है। और आजकल के बच्चे देखो, पिताजी की जेब से गाड़ी की चाबी निकाली,
दो चार हजार रुपए निकाले क्योंकि पैसों की कोई कमी नहीं, यार दोस्तों को बिठाया और मुरसल चले गए। लेकिन रस्ते में क्या हुआ, कई बार सुनी ना आपने, किसने मारा? मुरसल के पराठों ने नहीं, उनकी इच्छाओं ने। घर में दाल रोटी में पेट भर सकता था, आवश्यकता सर्दी में थोड़े गर्म कपड़े पहन दिए काम चल जाएगा, गर्मी में थोड़े पतले कपड़े पहन दिए आवश्यकता पूरी। लेकिन इच्छा क्या है आजकल के बच्चों की, यहां से पैंट फटी हुई, यहां से पैंट फटी हुई, और बड़े शौक से चलते हैं। ध्यान देना, पहले जरा सी पैंट फटी होती थी तो छुपाते थे, और आज जितने बड़े छेद होते हैं पूछो कितने की पैंट है, बोले 5000, 5000 रुपए की। और कह रहे इच्छाओं में हमारी माताएं बहनें भी कम नहीं है। ध्यान देना, क्या बड़े ध्यान से सुनना कि आपके घर में कोई भी अलमारी, कोई भी संदूक, कोई भी पलंग ऐसा नहीं है जिसको खोलते कपड़े बाहर ना आए। भर भर के कपड़े रखे हैं, लेकिन जैसे कोई शादी विवाह का कार्य आता है, करवा चौथ आता है, अजी हमारे पास तो इसे कहते हैं प्यारे इच्छाएं। सब कुछ होते हुए भी आगे की इच्छा है, ध्यान देना। एक व्यक्ति भोले बाबा की खूब पूजा कर रहा था। भोले बाबा ने प्रसन्न होकर कहा कि मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगते हो। उस भक्त ने कहा भोले बाबा जो मैं मांगूंगा वो दोगे? भोले बाबा ने कहा एक शर्त पे दूंगा, जो तू मांगेगा तुझे एक दूंगा और पड़ोसन को डबल दूंगा। अब उसने सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं महाराज। बोले मैं आज तक पैदल घूमता रहा, साइकिल पे घूमा, मेरे घर में मोटरसाइकिल आ जाए। भक्त भोले बाबा ने उसे एक मोटरसाइकिल दी और पड़ोसी को। अब ईमानदारी से बताओ वो सुखी होगा या दुखी होगा? क्यों, मेरे पास एक है लेकिन पड़ोसन के पास दो क्यों? अब उसने सोचा प्रभु अब मेरा परिवार भी बढ़ गया है, एक लंबी सी गाड़ी दे दो। भगवान ने उसे एक कार दी और पड़ोसी को। अब बताओ दुखी होगा सुखी होगा? और ज्यादा दुखी रहने लगा। अब तो उसने बोला परिवार मेरा और बढ़ गया है, एक सुंदर सा मकान दे दो। भोले बाबा ने उसे एक मकान दिया और पड़ोसी को। अब उसका दुख और बढ़ता रहा। देखो भगवान सुन रहा है लेकिन इच्छा भी बढ़ रही है, और साथ में पड़ोसन के दो दो कैसे हो रहे हैं। अब उसने सोचा पड़ोसन का नाश कैसे करूं। बोले हे भोले बाबा मेरी एक आंख फोड़ दो। अब जब पता है मेरी एक फूटेगी तो पड़ोसन की। तो ध्यान देना सजनों, ये इंसान दुखी इसीलिए है, अपना भला हो या ना हो दूसरे का बुरा सोचते हैं। जिस समय तुम्हारे मन में ये भाव जागृत हो गया कि प्यारे किसी का बुरा ना हो सबका भला हो। देखो आजकल इंसान शॉर्टकट में लाभ कमाना चाहता है, शॉर्टकट में लाभ कमाना चाहता है, लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में हो सकता है लेने के देने पड़ जाएं। इसलिए वाकई अगर तुम्हें लाभ कमाना है तो लाभ का उल्टा कर दो, लाभ का उल्टा भला। अपने मन से सबका भला करो, अपने कर्म से सबका भला करो, तुम्हें लाभ अपने आप मिल जाएगा एक ना एक दिन, ध्यान देना। और अगर आप चाहते हो कि गोविंद तुम्हें याद करे, गोविंद को तो सब याद करते हैं, कहते ना गोविंद मेरो है, सब याद करते हैं, लेकिन गोविंद किसको याद करता है वो महत्वपूर्ण है। जब कन्हैया मथुरा आए
बलराम जी के साथ में जब कंस ने प्रतियोगिता रखी, जैसे मथुरा नगरी में प्रवेश किया, मथुरावासी लाखों की तादाद में कृष्ण को देखने के लिए आए थे। ध्यान देना, सबकी नजर कृष्ण जी की तरफ थी, लेकिन कृष्ण की नजर किसी एक पे थी। सबकी नजर कृष्ण पे थी, लेकिन कृष्ण की नजर किसी एक पे थी। वो कौन थी? कौन? विदुरानी, विदुर जी की घरवाली। सब कन्हैया को देख रहे थे, लेकिन कन्हैया ने देख लिया, दूर से इशारा कर दिया, मैं आऊंगा। क्या? सब चाहते हैं कि कन्हैया मेरे घर आए, लेकिन कन्हैया क्या चाहते हैं? किसके घर आए? दुर्योधन ने कहा, अरे कन्हैया, आप मेरे महल में चलो, सोने का महल, सोने का सिंहासन, सोने की थाली, चांदी की कटोरी में 56 भोग खिलाऊंगा। भगवान मुस्कुराए और कहने लगे, अरे दुर्योधन, भोजन दो ही समय करना चाहिए, ध्यान देना, भोजन दो ही समय करना चाहिए, एक तो जब पेट में भूख हो तब करना चाहिए, जब तुम्हारे पेट में भूख नहीं होती ना, पेट भरा होगा चाहे सामने शाही पनीर भी आ जाए तो अच्छा नहीं लगेगा, और जब पेट में भूख होगी ना तो चटनी के साथ रोटी भी बड़ी स्वाद लगेगी, क्योंकि पेट में भूख है। दूसरा, जब सामने खिलाने वाले का मन हो तब खाना चाहिए। इस समय ना तो हमारे पेट में भूख है, ना तुम्हारा मन है, तुम्हारा मन केवल अपना महल दिखाने का है, ध्यान देना, क्योंकि भगवान 56 भोग के भूखे नहीं। हम बार बार कहते हैं, किसके भूखे भगवान है? भाव के भूखे प्रभु है, भाव के भूखे प्रभु है, भाव के भूखे प्रभु है, भाव के भूखे प्रभु। ये वेद बताते हैं, ये वेद बताते हैं, जब भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु दौड़े आते हैं, जब भक्त पुकारे महात्मा ब्राह्मण बहन और बेटी खाली चले जाते हैं,
तो वो पाप के भागी बनते हैं। इतना सुनते ही राजा बलि कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता नाराज मत हो, मैं तुम्हें 3 पग भूमि देने का वचन देता हूं, ध्यान देना। जैसे ही 3 पग भूमि देने का वचन देने लगे, छोटे से ब्राह्मण रूपी वामन भगवान कहने लगे, राजा बलि ऐसे दान नहीं दिया जाता जब तक उसका दृढ़ संकल्प ना हो। और कहते हैं जब संत महात्मा ब्राह्मण किसी भी रूप में द्वार पे आते हैं तो प्यारे उनका मान सम्मान अवश्य करना चाहिए। तो सुमित्रा दीदी ने हमारे साजबाज रूपी ब्राह्मण देवता, हमारे हनी पंडित जी, गुल्लू पंडित जी, इनका 100-100 रुपए मान देकर इनका स्वागत किया है। सुमित्रा दीदी के लिए जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। देखो सेवा का भाव जब बनता है, और मेरा ठाकुर सेवा भी किसी किसी से कराता है, हर किसी से नहीं। जिसके मन में ठाकुर जी बैठ जाते हैं, विश्वास मानो, चाहे उसके पास धन हो या ना हो, जिसका मन बन जाता है, व्यवस्था ठाकुर मेरा अपने आप कर देता है। कि एक बार सेवा की गंगा बह रही थी, सब अपने नेक कमाई से सेवा कर रहे थे, क्योंकि आज हमारे ठाकुर जी का विशाल जन्मोत्सव मनाया जाएगा, और सब अपने सामर्थ अनुसार नेक कमाई से बधाई स्वरूप में जो भी देना चाहते हैं वो दे रहे थे। और उसी बीच में एक महिला दरवाजे पर खड़ी आंसू बह रही थी। प्यारे कोई देखे ना देखे मेरे ठाकुर की नजर सब पर होती है। हमने पूछ ही लिया कि बहन क्या हुआ, क्यों आंसू बह रही हो? तब बोले, महाराज मैं देख रही हूं कि सब अपने सामर्थ्य अनुसार हमारे ठाकुर जी की बधाई दे रहे हैं, हमारे भागवत कथा में भंडारे में सेवा कर रहे हैं, लेकिन मैं घरों में बर्तन मांजती हूँ, कपड़े धोती हूँ, खाना बनाती हूँ, मेरी इतनी कमाई नहीं है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों मेरा मन में आई कि मैं भागवत कथा में सेवा करूं, क्या मैं सेवा कर सकती हूँ? हमने कहा, ठाकुर जी की सेवा सब पर बराबर होती है, कोई भी सेवा कर सकता है। और विश्वास मानो, उसने अपने पल्लू में से 1 के सिक्के, 2 के सिक्के, 5 के सिक्के करके 101 रुपए इकट्ठे किए थे। बोले, महाराज मैं ये अर्पण करना चाहती हूँ। इतना देखकर हमारी आंखों में आंसू आ गए, और हमें विश्वास हो गया कि ठाकुर जी सब पर कृपा करते हैं, क्योंकि जिनके पास करोड़ों हैं वो लाखों का दान कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने उसे करोड़ों दिए हैं। जिनके पास लाखों हैं वो हजारों के दान कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने उसे लाखों दे रखे हैं। जिनके पास सैकड़ों हैं वो अपने सामर्थ्य अनुसार सेवा कर सकते हैं। और प्यारे जिसके पास कुछ नहीं है, अगर भगवान ने उसको मन दे रखा है, तो प्यारे वो सबसे बड़ा धनी है। धनी वो नहीं जिसके पास धन है, धनी वो है जिसका सेवा का मन है। एक बार भगवान से कहकर देखो कि हे ठाकुर, हमें धन दो या मत देना, लेकिन हमारा मन हमेशा सेवा में लगाए रखना, हमारे तन मन धन से सेवा होती रहे, ऐसी कृपा बनाए रखना। क्योंकि प्यारे ये मन ऐसा है, भटकने में देर नहीं लगाता। जब अच्छा काम करने का मन करे उसे तुरंत कर डालो, और जब बुरा काम करने का मन करे उसे टालते रहो, टालते रहो, टालते रहो। लेकिन ये इंसान कैसा है, बुरा काम तो जल्दी कर देता है और अच्छे काम के लिए मुहूर्त निकालता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि अपने मन को समझाओ, अपने पापी मन को बताओ कि भजन में लग जाओ, सेवा में लग जाओ। क्या
ओ पापी मन कर ले भजन, हाँ ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से जरा हाथ बाहर कर ओ पापी मन कर ले भजन, हाँ ओ पापी मन कर ले भजन, बात में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, क्यों करता तू मेरा मेरा, 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 ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ जाएगा, जैसा किया कर
जैसे डालने लगे तभी राजा बलि के कुलगुरु शुक्राचार्य जी ने रोक दिया। राजा बलि, इस ब्राह्मण को दान मत दो। बोले, महाराज मैंने बड़े बड़े ब्राह्मण को दान दिया तब तो मना नहीं किया, अभी छोटा सा ब्राह्मण क्या मांग रहा है, केवल 3 पग भूमि। बोले, तुम नहीं जानते ये छोटा सा ब्राह्मण कौन है। बोले, तो आप ही बता दो कौन है। बोले, छोटा सा ब्राह्मण और कोई नहीं, ये श्री हरि नारायण भगवान है। बोले, श्री हरि नारायण भगवान की जय। बोले, ये कौन से नारायण भगवान। बोले, जिनके पास तीनों लोगों का संसार मांगने जाता है, आज वही श्री हरि नारायण भगवान तुम्हारे पास मांगने आए हैं, लेकिन मैं कहता हूं इसे दान। इतना कहकर राजा बलि बोले, हे महात्मा जी, एक बात बताओ, जिस श्री हरि नारायण भगवान के पास तीनों लोगों का संसार मांगने जाता है, आज वो मेरे पास आए हैं और आप कहते हो कि मैं इसे दान ना दूं। आज तो मैं इसे अपना सब कुछ दे दूं तो भी कम है। नहीं माने राजा बलि, जैसे ही गंगा जल हाथ में डालने लगे, संकल्प करने लगे, तभी चमत्कार हुआ। क्या? गंगा जल हाथ में ही नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य जी गंगा जल के कमंडल की नलकी में जाके बैठ गए और गंगा जल को रोक दिया कहीं संकल्प पूरा ना हो जाए। ध्यान देना सज्जनों, इधर दान देने वाला भी तैयार और दान देने वाला भी तैयार। जो दान लेने और देने वाले के बीच में अड़ंगे डालते हैं, भगवान उसे क्या समझते हैं, ध्यान देना। बोले, लगता है राजा बलि तुम्हारे कमंडल की नलकी में कचरा फंस गया है। कचरा कौन? शुक्राचार्य। इसे निकालना पड़ेगा। अब वामन भगवान ने क्या किया, एक तिनका लिया और जैसे ही नलकी में मारा, शुक्राचार्य जी की एक आंख का गोविंदा नमो नमः हो गया। अब शुक्राचार्य जी जमीन पर और गंगा जल हाथ में। और जैसे संकल्प पूरा हुआ, जो वामन भगवान छोटे से ब्राह्मण के रूप में थे, धीरे 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 विशाल विराट हो गए। जो नन्हे नन्हे पैर थे वो इतने विराट हो गए, एक पग में धरती और आकाश नाप लिया, दूसरे पग में पूरा पाताल नाप लिया। अब पांव रखने की जगह नहीं बची। अब कहते हैं, राजा बलि, तुम्हें अपने दान पे अभिमान था, संसार में मेरे से बड़ा कोई दानी नहीं, अब बताओ मैं तीसरा पग कहां रखूं, तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा। राजा बलि हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बोले, प्रभु, ये जो तुमने मेरी धन दौलत राज्य धरती आकाश सब ले लिया, ये मेरा था ही नहीं, कोई साथ लेके आया है, ये सब आपका ही था, आपके ही अर्पण हो गया। आपका चतुर्भुज विराट रूप देखकर ये मेरा मन भी आपका ही हो गया। अब बचाइए तन,
राजा बलि ने अपना शीश प्रभु के चरणों में रख दिया। हे प्रभु, अपना तीसरा पग मेरे शीश पे धारण कर लीजिए और मेरे तन को भी पवित्र बना दीजिए। देखो भगवान के आगे हम सर क्यों झुकाते हैं? ये सर तो सब झुकाते हैं लेकिन अर्थ कोई नहीं जानता। सर झुकाने का मतलब होता है कि हमने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, अपना तन, अपना मन, अपना धन सर्वस्व अर्पण कर दिया। लेकिन सर सब झुकाते हैं लेकिन अर्पण कोई नहीं करता। ध्यान देना, अर्पण वही करते हैं जो अपने काम का नहीं होता। हम बार बार कहते हैं एक बार शबरी बनकर देख लेना, और जो शबरी बन जाता है भगवान राम बनकर, भगवान घनश्याम बनकर उनके घर में विराजमान होते हैं और उनके हर काम करते हैं, एक बार विश्वास के साथ समर्पण का भाव बनाकर देख लेना। एक बार अपना पेट तो दुनिया भर लेती है लेकिन जब हम भंडारे में सेवा करते हैं, और विश्वास मानो जो भंडारे में ऐसे भक्त भी आते हैं जिनको उस चीज की जरूरत होती है, सेवा देखनी हो ना, ध्यान देना, गुरुद्वारे में देख लेना कि आप 11 रुपए दोगे तो भी एक दोना प्रसाद मिलेगा, 1100 रुपए दोगे दान में तो भी एक दोना प्रसाद मिलेगा, 11 लाख रुपए दोगे प्यारे तो भी एक ही दोना प्रसाद मिलेगा, तुम्हें ज्यादा नहीं मिलेगा। क्यों? तुम्हारे हिस्से का आपको मिल गया, बाकी सबके काम आएगा। बड़े से बड़ा करोड़पति वहां पे आपको जूतों की सेवा में मिल जाएगा, बड़े से बड़ा करोड़पति आपको झाड़ू लगाता मिल जाएगा, बड़े से बड़ा करोड़पति आपको लंगर की सेवा करता मिल जाएगा। क्या जरूरत है उनको सेवा करने की? उसे पता है जितनी छोटी सेवा करेंगे बाबा उतना बड़ा फल हमें देंगे। लेकिन यहाँ पर सेवा क्या की जाती है, ध्यान देना। पहले तो रोज आते हैं, देखते हैं कि क्या चल रहा है, उस हिसाब से मेजरमेंट बनाते हैं कि क्या देना है। ध्यान देना, सेवा का कभी नाप तो नहीं होना चाहिए, जैसा भाव हो वैसी सेवा होनी चाहिए। अगर आपने भाव से 1 रुपया दी है तो प्यारे वो भी करोड़ों की बन जाती है, और अभिमान से चाहे कितनी दे दो और अभिमान है तो वो सेवा निष्फल है। एक जगह हम कथा कर रहे थे और वहां पर बड़ी बड़ी सेठानियां बैठी थी। एक सेठानी के मन में आया, महाराज जी इतने दिनों से सेवा सेवा कह रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, भंडारे में मैं 11,000 रुपए की सेवा कर देती हूँ। अभी सिर्फ मन बनाया था, दी नहीं थी, सिर्फ मन बनाया। और जैसे ही देखा कृष्ण जन्म पे थोड़ी सी बधाई आने लगी, थोड़ी सी भंडारे की सेवा आने लगी, उस सेठानी ने सोचा अरे अब तो भंडारे की सेवा आ रही है, अब 11,000 की जगह 5100 दूंगी तो भी काम चल जाएगा। देखो मन पलट गया, लेकिन अभी 5100 भी दिए नहीं, केवल मन में विचार बनाया। जैसे रुक्मणी आई, सब भक्तों ने कन्यादान दिया, सामत अनुसार भंडारे में सेवा करी। अब उस सेठानी ने सोचा अरे अब तो भंडारे की और सेवा आ रही है, अब तो 5100 की जगह में 1100 दूंगी तो भी काम चल जाएगा। फिर मन पलट गया। अब जैसे ही व्यास जी की विदाई आई, सबने भगवान व्यास जी की विदाई करी, कुछ भंडारे में सेवा करी। अब तो सेठानी ने सोचा अरे तो भंडारे की व्यवस्था लगभग पूरी हो गई है, अब 1100 की जगह में 101 रुपया दूंगी तो भी काम चल जाएगा। देखो ये मत सोचना कि तुम्हारी वजह से भंडारा होगा या तुम्हारी वजह से कार्य होगा, वो तो मेरे ठाकुर की मर्जी होगी कि किससे सेवा लेनी है, किसको निमित्त बनाना है। अब अगले दिन भंडारा चालू हो गया, अब वो सेठानी आई, ओहो भंडारा चालू, बोले अब तो 101 रुपया भी अंदर रखो, बड़ी सी थैली ली और प्रसाद डाल के। तो कहने का भाव क्या है प्यारे, कि मन बड़ा चंचल है, जब तक दृढ़ संकल्प नहीं होता कि ठाकुर जी ने हमें इतना दिया है, अगर हम ठाकुर जी की चीज ठाकुर को अर्पण कर लेते हैं
तो विश्वास मानो, भगवान कहते हैं जो धर्म के कार्य में सेवा करता है, जो भंडारे में सेवा करता है, तुम दो हाथ से सेवा करो, हम हजार हाथ से भंडार भरने में देर नहीं लगाएंगे। एक बार मन बनाकर तो देखो, व्यवस्था में अपने आप कर दूंगा। और प्यारे, सेवा करने के बाद मन को बिल्कुल सरल रखो कि मैंने कुछ नहीं किया, ये तो मेरा सौभाग्य है, मेरे ठाकुर ने मुझे इसका अधिकारी बनाया है, चुना है। प्यारे, मेरा ठाकुर हर किसी को नहीं चुनता, जिस पर मेरे ठाकुर की कृपा होती है वही सेवा का हकदार बनता है, उसी की हाजिरी लगती है। और सेवा करने के बाद मन को सरल कर लो कि हमने कुछ नहीं किया। जैसे राजा अम्बरीश खूब भंडारे करते थे, खूब सेवा करते थे, लेकिन कभी उनके मन में अहंकार नहीं आया कि मैं इतनी सेवा करता हूं। एक बार अपनी धर्मपत्नी के साथ में राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया। जैसे एकादशी का व्रत किया, द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराया, और ब्राह्मण भोजन करा रहे थे तभी चमत्कार हुआ, दुर्वासा ऋषि जैसे महात्मा का आगमन हो गया। बड़े खुश हुए राजा अम्बरीश कि धन भाग हमारे जो आप जैसे महात्मा पधारे। महाराज, आज द्वादशी है, ब्राह्मण भोजन है, आप प्रेम से भोजन करिए। दुर्वासा जी ने कहा ठीक है, लेकिन पहले हम स्नान करके आएंगे। पूरी टोली के साथ दुर्वासा ऋषि स्नान करने चले गए। क्या हुआ, स्नान करने में देरी हो गई। इधर राजा अम्बरीश घबरा रहे हैं कि द्वादशी की घड़ी समाप्त हो रही है, अगर ब्राह्मण नहीं आए और घड़ी समाप्त हो गई तो व्रत खंडित हो जाएगा, और पहले भोजन कर लिया तो ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे, क्या किया जाए। राजा अम्बरीश ने संतों से सलाह दी। संतों ने कहा महाराज, आप केवल जल पीकर व्रत खोल सकते हैं। जैसे राजा अम्बरीश ने भी मुंह में भी नहीं लगाया, थोड़ा सा ऊपर किया था तभी दुर्वासा ऋषि का आगमन हो गया। दुर्वासा ऋषि ने कहा राजा अम्बरीश, तुमने हमारा अपमान किया है, हमारे आने से पहले व्रत खोलने की सोची, तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। उसी क्षण अपनी जटा का बाल उखाड़ा, उसका ब्रह्म अस्त्र बनाया और राजा अम्बरीश पर छोड़ दिया। जैसे राजा अम्बरीश ने देखा लोहे का बाण मेरी तरफ आ रहा है, तभी राजा अम्बरीश ने प्रभु से प्रार्थना करी कि हे गोविंद, आज तक मैंने किसी का बुरा नहीं किया, अरे करना तो दूर, किसी के बारे में बुरा सोचा भी नहीं, तो ये मेरे साथ क्या हो रहा है। उसी भाव को देखकर श्री हरि नारायण भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। पहले सुदर्शन चक्र ने उस ब्रह्म अस्त्र को काटा और वही सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ना चालू हो गया। अब दुर्वासा ऋषि आगे आगे और सुदर्शन चक्र, अब दुर्वासा ऋषि अपनी जान बचाते घूम रहे हैं, कभी इंद्र के पास, कभी ब्रह्मा के पास, कभी भोलेनाथ के पास, लेकिन सबने कह दिया हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। तो कौन करेगा, बोले जिसने चक्र चलाया है वही चक्रधारी तुम्हारी रक्षा करेगा। अब दुर्वासा ऋषि श्री हरि विष्णु भगवान के पास पहुंचे, बोले त्राहि माम प्रभु, मेरी रक्षा करो। श्री हरि नारायण भगवान कहने लगे मैं तेरी रक्षा कर लेता अगर तू मेरा अपमान करता, मैं अपना अपमान सह सकता हूं, लेकिन जो मेरे भक्त का अपमान करे, जो संत महात्माओं का अपमान करे, मुझे कभी बर्दाश्त नहीं। हाँ, अगर तुझे जीवन दान चाहिए तो जिसका तूने अपमान किया है उससे जाके माफी मांग ले। अब दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश के पास गए और जैसे चरणों में गिर रहे थे माफी मांगने लगे, प्यारे, तभी राजा अम्बरीश ने उठा लिया कि महात्मा हमेशा आशीर्वाद देते हुए अच्छे लगते हैं। और प्यारे, भगवान का भक्त कैसा होना चाहिए,
ताकत होते हुए भी, सामने वाले का बदला लेने के ताकत होते हुए भी जो दूसरों को क्षमा कर दे प्यारे, वही भगवान का भक्त होता है प्यारे। खुद दूसरों को चोट पहुंचाकर माफी मांगना बहुत आसान है, क्या कहोगे? सॉरी, दूसरों को चोट पहुंचाकर माफी मांगना बहुत आसान है, लेकिन खुद चोट खाकर दूसरों को माफ करना बहुत मुश्किल काम है। जो खुद चोट खाकर दूसरों को माफ कर दे प्यारे, वही श्री हरि नारायण का परम भक्त होता है। और प्यारे, एक राजा सगर, जिसने एक हवन किया, एक महान यज्ञ किया, और ऐसा छोटा मोटा यज्ञ नहीं, अश्वमेध यज्ञ। पहले जब अश्वमेध यज्ञ होते थे तो पहले घोड़ा छोड़ देते थे, जिसके पास घोड़ा मिलता था उससे उसको युद्ध करना पड़ता था। जैसे ही यज्ञ में घोड़ा छोड़ा, इंद्र भगवान का सिंहासन हिल गया। इंद्र ने सोचा, गलती से ये घोड़ा मेरे पास मिल गया, सगर ने मुझसे युद्ध किया और मैं अगर हार गया तो मेरा सिंहासन चला गया। इस डर के कारण इंद्र ने क्या किया, वो घोड़ा चुरा कर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अब सगर ने अपने पुत्र को भेजा कि जाओ घोड़ा ढूंढ के लाओ। जैसे घूमते घूमते सगर के पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे, क्या देखा, कपिल मुनि साधना में लीन थे और घोड़ा बंधा था। तभी सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि को बहुत बुरा भला कहा, अरे चोर, तुमने हमारे पिता का घोड़ा चुराया है। इतना सुनते ही कपिल मुनि को क्रोध आ गया और उनकी क्रोध अग्नि से सगर के सभी पुत्र जलकर भस्म हो गए। जब सगर के पुत्र नहीं आए तो सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को भेजा कि जाओ अंशुमान घोड़ा ढूंढ के लाओ। अब अंशुमान घोड़ा ढूंढने के लिए गए, कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो क्या देखा, कपिल मुनि अभी भी साधना में लीन, घोड़ा बंधा पड़ा है लेकिन चाचाओं की अस्थियां हैं जो जलकर भस्म हो गई थी। अब अंशुमान ने बुरा भला नहीं कहा, बड़े प्रेम से कपिल मुनि का आदर सम्मान किया। कपिल मुनि प्रसन्न हुए और कहा कि मांगो, क्या मांगते हो? अंशुमान ने कहा, महात्मा जी, एक तो मुझे ये घोड़ा दे दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए और मेरे चाचाओं को जीवित कर दीजिए। तब कपिल मुनि ने कहा, ये जीवित तो हो जाएंगे लेकिन इन पर गंगा जल छिड़कना पड़ेगा। उस समय गंगा जल धरती पर आया ही नहीं था। क्या किया अंशुमान ने, हजारों वर्ष तक गंगा मैया को धरती पर लाने की तपस्या करी लेकिन गंगा मैया नहीं आई। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, राजा दिलीप ने भी हजारों वर्ष तक तप किया लेकिन गंगा मैया नहीं आई। फिर दिलीप जी के पुत्र हुए भागीरथ, उन्होंने हजारों वर्ष तक तप किया, तब गंगा मैया प्रकट हुई और कहा कि भागीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मांगो, क्या मांगती हो? बोले, गंगा मैया, मैं ये चाहता हूं आप धरती पर अवतरण हो और आपके गंगा जल से ऋषि मुनि पवित्र हो और मेरे चाचा जीवित हो जाएं और जो भी कलयुग में गंगा में स्नान करें उनका उनके जाने अनजाने में द्वारा किए हुए पाप नष्ट हो जाएं। गंगा मैया ने कहा, भागीरथ, मैं आ तो जाऊंगी लेकिन मेरा भार संभालेगा कौन? मैं इतनी तीव्र गति से आऊंगी कि पाताल में ही चली जाऊंगी, मुझे बीच में स्टैंड चाहिए। जब भी कोई देवता फंसता है तो किसको याद करता है? भोले बाबा को। जब समुद्र मंथन हुआ सबसे पहले क्या निकला? आइसक्रीम, विष। और जब विष निकला तो किसको बुलाया गया? भोले बाबा को। एक बार एक राक्षस ने तप किया था जिसका नाम था भस्मासुर।
भोले बाबा को भोलेनाथ इसीलिए कहा जाता है, वो बिना सोचे समझे वरदान दे देते हैं। भस्मासुर से कहा, भस्मासुर मांगो, क्या मांगते? बोले प्रभु मैं जिस पे हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। भोले बाबा ने बिना सोचे समझे कहा तथास्तु। अब भस्मासुर ने सोचा ट्राई किस पे करूं, भोले बाबा के पीछे पड़ गया। उस समय श्री हरि नारायण भगवान ने मोहिनी का रूप धरा था और प्यारे नृत्य करते करते भस्मासुर से कहा, भस्मासुर अब मैं आपको नृत्य सिखाती हूं, सबसे पहले ऐसे करो। कहते हैं जिसमें ताकत आ जाती है, शक्ति आ जाती है ना, उसकी बुद्धि थोड़ी कम हो जाती है। भस्मासुर ने अपने सिर पे ये हाथ रखा और भस्म हो गया। अब प्यारे जब भागीरथ ने भोले बाबा की तपस्या करी तो भोले बाबा ने कहा ठीक है, गंगा मैया को धरती पर लाने का काम मैं करूंगा। जैसे ही गंगा मैया धरती पर अवतरित होने लगी, प्यारे अपने शीश पे गंगा मैया को धारण कर लिया और शीश पे आने के बाद में गंगा मैया ने धरती पर अवतरण लिया। बोलिए गंगा महारानी की जय। और प्यारे कि अब हम चलते हैं अपने ठाकुर श्री कृष्ण जन्म उत्सव की ओर, लेकिन कहते हैं जब तक हमारे राम जी का जन्म नहीं होता तब तक ठाकुर आते नहीं हैं। तो वैसे तो राम कथा 9 दिन की है, ना हमारा पेट भरेगा ना आपका मन भरेगा, लेकिन सूक्ष्म रूप में आपको बता रहे हैं, ध्यान देना कि महाराज दशरथ जी जिनकी 3 पत्नियां, कौन कौन सी? सबसे पहले कौशल्या जी, दूसरी सुमित्रा जी, तीसरी केकई जी। अब एक बात जरा ध्यान से सुनना, दशरथ जी की 3 पत्नियां हैं, लेकिन कलयुग में हर इंसान की 3 पत्नियों वाले भाव हैं। 3 पत्नियां नहीं है, 3 पत्नियां वाले भाव हैं। कौन कौन से भाव है ध्यान देना, तीनों तरह की पत्नियां यहां पर बैठी हैं, तीनों भाव वाली पत्नियां यहां पर बैठी हैं। मैं किसी पे उंगली नहीं करूंगा, कहीं मेरे पीछे पड़ जाओ, अपने आप समझ जाना हम कौन सी नंबर की पत्नी है। सबसे 1 नंबर की पत्नी कौन सी है? पतिदेव थके हारे काम से जब घर आते हैं दरवाजा खटखटाते हैं, धर्मपत्नी ने दरवाजा खोला, पति की हालत देखी कि थके हारे आए हैं, फटाफट अंदर गई, फ्रिज का ढक्कन खोला और बोतल निकाली, प्रेम से पानी का गिलास दिया, लो पानी पियो बैठो। ये 1 नंबर की धर्मपत्नी है, ध्यान देना, जो बिना कहे काम करे, पति ने मांगा भी नहीं उससे पहले पानी का गिलास दे दिया, ये 1 नंबर की धर्मपत्नी। बड़े ध्यान से सुनना, अब आती है 2 नंबर की धर्मपत्नी, कैसी होती है? पतिदेव काम से थके हारे घर आए, दरवाजा खटखटाया, जैसे दरवाजा खोला सामने थके हारे पतिदेव, पत्नी मुस्कुरा रही है लेकिन कुछ कह नहीं रही। अब पतिदेव कहते रही भगवान बहुत थक गया हूं, थोड़ा पानी तो पिला दो। अजी अभी लाई, चिंता मत करो अभी लाई, बैठो। अंदर गई, जग में पानी भरा, लो पानी पियो। ये 2 नंबर की धर्मपत्नी जो कहकर काम करे, 1 नंबर की कौन सी? जो बिना कहे काम करे। 2 नंबर की कौन सी? जो कहकर काम करे। अब 3 नंबर वाली धर्मपत्नी देख लो कैसी है। जैसे पतिदेव काम से घर में आए थके हारे, दरवाजा खटखटाया, अब दरवाजा खोला सामने पतिदेव, अब पतिदेव की शक्ल नहीं देखी कि वो थके हारे हैं, पहले शिकायतों की लिस्ट, आज घर में ये खत्म हो गया वो खत्म हो गया, तुम्हारी माँ ने ऐसा कह दिया, ये कर दिया वो कर दिया, दुनिया भर की शिकायतें। उसके बाद पतिदेव कहते अरे भगवान ये शिकायत तो बाद में भी हो जाएंगी, अंदर तो आने दे।
अच्छा प्यास लग रही है, थोड़ा पानी तो पिला दे। अब धर्मपत्नी क्या कहती है, पानी पीना है? बोले हाँ। वो रहा फ्रिज, वो रहा फ्रिज, पानी की बोतल निकालो। हाँ दो गिलास निकालना, दो गिलास निकालना, एक अपने लिए और एक मेरे लिए। ये तीन नंबर की धर्मपत्नी जो कहकर भी काम नहीं करती, ध्यान देना। अब ईमानदारी से बताना, भगवान के आगे झूठ मत बोलना। एक नंबर की धर्मपत्नी कौन कौन सी, जरा हाथ उठाएंगे ईमानदारी से। पक्का? जो बिना कहे काम करती है वो उठाएंगी हाथ? अच्छा, अब दो नंबर धर्मपत्नी उठाएंगे जो कहकर काम करती है। सुनील से बोलना पड़ेगा, जय जय श्री राधे। अच्छा अच्छा, अब तीन नंबर वाली ईमानदारी से हाथ उठाना भाई। तीन नंबर वाली धर्मपत्नी हाथ उठाएंगी। ओहो, पक्का? कोई नहीं है। अच्छा आप ध्यान देकर सुनो, प्रेम से बोलना पड़ेगा, जय श्री राधे। अब मैंने एक कथा में पूछा, एक नंबर वाली धर्मपत्नी कौन सी है? एक ने इतने बड़े हाथ खड़े कर दिए, पड़ोसन कहते रही सुबह तो तू लड़ रही थी पति से, यहां पर तू बड़े बड़े हाथ खड़े करे दिखा रही है। तो सज्जनों कहने का भाव, जो भागवत कथा में आता है, भगवान की ऐसी कृपा हो, चाहे किसी को बताए या ना बताए, चाहे तीन नंबर वाली हो चाहे दो नंबर वाली हो, भगवान कथा सुन के सबको एक नंबर की धर्मपत्नी बना दे, सबके भाव एक नंबर वाली बन जाएंगे। और कहते हैं जिस घर में लक्ष्मी आ जाती है, प्रेम से बोलना पड़ेगा, जय जय श्री राधे। किसकी? धर्मपति की भी पूछ लो। अच्छा पति की भी पूछ लो। अच्छा सच बताएं आपको, आजकल 80% घरों में, हाँ जी पति का भी हाल बता देते हैं, 80% घरों में पति और पत्नी की भी तनातनी चल रही है। क्यों चल रही है पता है आपको? दो कारण है, एक पतिदेव सुबह राम बन के निकलते हैं, रात को भैरव बन के आते हैं। सुबह राम बन के निकलते हैं, रात को भैरव बन के आते हैं। दूसरा एक कारण है मोबाइल। जब से ये मोबाइल आया है, इंसान एक नंबर का झूठा बन गया है। कहता कुछ है, करता कुछ है, होता कहां है? अभी से बेचारी धर्मपत्नी बहुत परेशान है। अब पति देव को तो कुछ कह नहीं पाती, सारा गुस्सा किस पे निकालती है? भोजन पे। और कब जब आटा गूंथती है, दही घूसे घूसे मारती है। नाच पीटा जाता कहां है, बताता कहां है, कहता कुछ है, करता कुछ है। मेरा बस चले ना इसकी रोटी में जहर मिला दो, क्योंकि जब मन में क्रोध आता है तो कई बुरे विचार आते हैं। और कलेश का एक कारण यही है, जब बुरे विचारों से आप भोजन बनाते हो, अर्थात क्रोध में भोजन बनाते हो, चिंता में भोजन बनाते हो, फिर चाहे कितने ही बढ़िया मसाले डाल लो, चाहे कितने ही बढ़िया मसाले डाल लो, भोजन में स्वाद नहीं आएगा। जब भी भोजन बनाओ ये कहकर बनाओ कि भगवान ये आपका भोजन नहीं, ये आपका प्रसाद बना रहेगा। भगवान का कोई भजन करते हुए प्रसाद बनाओ, कोई गुरु का मंत्र गाते हुए भोजन बनाओ, आप चमत्कार देखोगे। चाहे घर में कोई मसाले भी ना हो, फिर भी उस भोजन में MDH के मसालों का स्वाद आ जाएगा। इसलिए भोजन हमेशा प्रेम से बनाओ। और जब क्रोध में भोजन बना दिया, तो प्यारे पतिदेव जब क्रोध भरा भोजन खाएंगे ना,
तो पति देव क्या कहेंगे, ये तो मैं बच्चों के लिए घर में आता हूं, वरना इस घर में मैं। तो अगर आप चाहते हो घर में शांति रहे तो सबसे पहले अपने अन्नपूर्णा रसोई को पवित्र करो। अन्नपूर्णा क्या होती है? रसोई। हमेशा उसको स्वच्छ रखो, कभी उसमें तामसी भोजन मत रखो। तामसी भोजन क्या होता है, ध्यान देना, तामसी भोजन होता है बासी खाना। आजकल मेहनत कम करने के चक्कर में क्या करते हैं, जब आटा गूंदा तो सुबह का गूंदा हुआ दोपहर भी चलता है, शाम भी चलता है, फ्रिज में रख देते हैं। इसलिए कह रहे कोशिश करो थोड़ा बनाओ, अगली बार फिर बना लो, क्योंकि जब बासी भोजन खाते हैं तो दिमाग भी अशुद्ध हो जाता है, घर में क्लेश होता है। इसलिए हमेशा शुद्ध भोजन बनाओ, पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ, उसके बाद बाल गोपाल को दे, अपने पति देव को दे। और विश्वास मानो, जिस घर में भगवान का भजन गाते हुए भोजन बनता है वो घर घर नहीं, वो भगवान का मंदिर बन जाता है। अब प्यारे महाराज दशरथ जी को श्राप लगा है, किसका? श्रवण कुमार के माता पिता का। एक बार महाराज दशरथ जी शिकार खेलने के लिए वन में गए और उसी वन में श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधे पर तीर्थ की यात्रा करने ले जा रहे थे। देखो पहले के श्रवण कुमार कैसे थे, अपने माता पिता को कंधे पर तीर्थ कराते थे, और आज के श्रवण कुमार से बोलकर देख लो, अरे बेटा हमें अपनी बाइक पर थोड़ा कथा पंडाल में ले चल, अरे भैया पास में तो है खुद ही चले जाओ, मेरे को किसी काम से जाना है, जिम जाना है। आजकल के बच्चे जिम में बड़े बड़े डंबल तो उठा लेते हैं लेकिन माता पिता का सब्जी का थैला उठाने में शर्म करते हैं। बड़े बड़े काम कर लेंगे लेकिन घर का काम करने में उन्हें शर्म आती है, ये आजकल के श्रवण कुमार है, ध्यान देना। 80% आज के बच्चों ने माता पिता के चरण छूने बंद कर दिए हैं, कोई 2-4% छूते भी है ना अपने माता पिता के पैर तो चरणों तक तो पहुंचते नहीं है, घुटनों से आधे वापस आ लेते हैं। क्यों? इनमें उनकी गलती नहीं है, माता पिता की गलती है, जो जिन्होंने झुकने का महत्व नहीं समझाया। झुकने से होता क्या है, ध्यान देना, जब आप पूर्ण रूप से झुकते हो, चाहे माता पिता के आगे झुको, चाहे बड़े बुजुर्गों के आगे झुको, या भगवान के आगे झुको, पूर्ण रूप से झुकोगे तो सिर पे जितने पाप हैं वो गिर जाएंगे। और जब माता पिता का, बड़े बुजुर्गों का और भगवान का आशीर्वाद आ जाता है तो प्यारे उस पर कृपा विशेष हो जाती है। और जब पूर्ण रूप से नहीं झुकते तो प्यारे पाप गिरेंगे नहीं, और पहले से पाप का घड़ा अगर भरा होगा उसमें से कुछ आएगा नहीं। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आने वाले समय में सुख शांति रहे तो प्यारे झुकना सीख लो। जो झुकता है ना वही संसार को झुका सकता है। अब महाराज दशरथ जी को एक वरदान मिला हुआ है। कौन सा वरदान? वो बिना देखे जिस पर तीर चला देते हैं वो तीर हमेशा उसी स्थान पे लगता है। अब सारा दिन हो गया दशरथ जी को शिकार नहीं मिला, नदी किनारे बैठ गए, उसी स्थान पे श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर जा रहे थे। तभी माता पिता ने कहा कि पुत्र प्यास लग रही है, थोड़ा जल की व्यवस्था कर दो। बोले चिंता मत करो पिताजी, अभी लाया। घड़ा लिया और जैसी नदी में डाला, कहते खाली घड़ा जब नदी में डालते हैं तो बुलबुले की आवाज आती है। अब वो बुलबुले की आवाज दशरथ जी के कानों में पड़ गई। अब दशरथ जी ने सोचा मैं देखने में विलंब क्यों करूं, बिना देखे तीर चला दिया। और कह रहे वो तीर सीधा श्रवण कुमार पे लगा, श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई।
श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा, महाराज दशरथ जी, आपने हमें हमारे पुत्र से वियोग कराया है, हम तुम्हें श्राप देते हैं, आप भी पुत्र वियोग में ही जियोगे, आपके पुत्र सुख नहीं होगा। प्यारे महाराज दशरथ जी की अपनी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने श्रृंगी ऋषि से संतान उत्पत्ति यज्ञ कराया, और जैसे ही उस यज्ञ में महात्मा ने महाराज दशरथ जी को एक खीर का दोने का प्रसाद दिया कि महाराज ये अपनी पत्नी को खिला देना, पुत्र हो जाएगा, खीर का दोना एक और पत्नियां कितनी, और कैसे काम चले। जैसे ही महाराज दशरथ जी ने वो खीर का दोना कौशल्या जी को दिया, कौशल्या जी ने आधा दो भाग किए, आधा खुद रखा और आधा केकई को दे दिए। अब सुमित्रा जी कहती हैं, अरे मैं भी तो तुम्हारी प्रिय हूं ना, जो भी आता है हम आपस में बांट के करते हैं, तो आप दोनों, बोले बहन चिंता मत कर, हम तेरे को अपने से ज्यादा देते हैं और आज भी देंगे। कौशल्या जी ने अपने आधे में आधा और केकई जी ने अपने आधे में आधा, अर्थात दो हिस्से सुमित्रा जी को दिए। जो कौशल्या जी के पास हिस्सा आया था, उनसे श्री राम जी का जन्म हुआ। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। जो केकई जी के पास हिस्सा आया, उसे भरत भैया का जन्म हुआ। बोलिए भरत भगवान की जय। और सुमित्रा जी के पास दो हिस्से आए, लखन और शत्रुघ्न भैया। यही श्री हरि नारायण भगवान चार रूपों में अवतार लेकर आए हैं, ध्यान देना। यही चारों भैया गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने गए। जैसे शिक्षा ग्रहण करके आ रहे थे, तभी क्या देखा, जनक राज ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा हुआ है और ये शर्त रखी है कि जो इस धनुष को खंडित कर देगा, उसी से मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह कराऊंगा। बड़े से बड़े राजा महाराजा बलराजा धनुष को उठाने की कोशिश करी, तोड़ना तो दूर की बात है, प्यारे वो हिला भी नहीं पाए। तभी प्रभु श्री राम जी आए, प्यारे तिनके की भांति उठाया और प्यारे फूलों की तरह उसको खंडित कर दिया। और प्यारे जैसे ही वो धनुष खंडित हुआ, जनक राज ने अपनी पुत्री सीता का विवाह श्री राम जी से कर दिया और प्यारे श्री रामचंद्र जी सियावर रामचंद्र बन गए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और प्यारे घर में खुशियां ही खुशियां, चारों भैया का वहां पे विवाह हुआ। और प्यारे अब प्रभु श्री राम इतने बड़े हो गए कि महाराज दशरथ जी सोचने लगे कि मैं बूढ़ा हो गया। ध्यान देना सज्जनों, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो पिता को बड़ी खुशी मिलती है कि मेरा व्यापार, मेरा घर बार संभालने के लिए मेरा बेटा बड़ा हो गया है। उन्होंने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल मेरे पुत्र राम का राज तिलक होगा। सब जगह खुशियां मन रही थी कि सुबह राम का राज तिलक होगा, लेकिन अचानक ये क्या हुआ। कहते हैं कभी कभी दहेज में गलत सामान आ जाता है। महाराज दशरथ जी के दहेज में एक दासी आई थी जिसका नाम था संतरा मंत्रा। उस मंत्रा ने केके को ऐसा पाठ पढ़ाया, ऐसा पाठ पढ़ाया, केके जी महाराज दशरथ जी के कक्ष में गई। महाराज दशरथ जी प्रसन्न मुद्रा में खुश थे। बोले महाराज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो रानी, आज मैं बहुत खुश हूं, जो तुम्हारी इच्छा हो वो कहो। बोले महाराज तुमने मुझसे दो वचन कहे थे, जब समय आए तो मांग लेना। बोले रानी मांगो तो सही। बोले मेरा पहला वचन, तुम जिस राम की राज तिलक की तैयारी कर रहे हो, वो राम की ना करके मेरे पुत्र भरत की राज तिलक की तैयारी करना। इतना सुनते ही महाराज दशरथ जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। रानी तुम क्या मांग रही हो। क्या राम तुम्हारा पुत्र नहीं है।
बोले हाँ राम मेरा पुत्र है लेकिन मैं चाहती हूँ भरत गद्दी पे बैठे। और ये केकई जी भी जानती थी कि जब तक राम यहाँ रहेंगे भरत गद्दी पे नहीं बैठेंगे। बोले मेरा दूसरा वचन भी सुन लो, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज। इतना सुनते ही महाराज दशरथ जी को ऐसा सदमा लगा, मुख से आवाज नहीं निकल रही, आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। इतने में राम जी आए, राम जी ने माता पिता दोनों की बात सुन ली। बोले चिंता मत करो माता पिता जी, आप वन भेजने को राजी तो मैं वन जाने को राजी। देखो ये मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी जिनकी हम पूजा करते हैं, क्यों हम उनके चित्रों की पूजा नहीं करते, हम उनके चरित्रों की पूजा करते हैं। क्योंकि माता पिता की आज्ञा से राम बन गए तो राम बन गए, अगर राम बन ही जाते तो राम को कोई नहीं जानता, ध्यान देना। और पहले के राम माता पिता की आज्ञा से बन जाने को तैयार हो जाते हैं, और आजकल के राम अपने माता पिता को वन भेजने को तैयार हो जाते हैं। पूरे वृद्धा आश्रम भरे पड़े हैं, ध्यान देना। और आजकल कलयुग में क्या चल रहा है, गांव में फिर भी बहुत अच्छा हम हाल देखते हैं कि गांव में अनपढ़ आदमी भी गाय चराता है। हरियाणा में कई जगह देखा है अनपढ़ आदमी भी गाय चराता है और शहरों में पढ़ा लिखा कुत्ता घुमाता है। गांव में अनपढ़ आदमी भी गाय चराता है, शहरों में पढ़ा लिखा भी कुत्ता चराता है। और प्यारे पहले जब गांव में मकान बनाए जाते थे तो ये लिखा जाता था लक्ष्मी निवास, ठाकुर निवास, गोविंद निवास, सीताराम निवास। लेकिन आज शहरों में जो मकान बनाए जाते हैं ना, क्या लिखा जाता है, कुत्तों से सावधान। कलयुग में ये हाल चल रहा है, ध्यान देना। तो प्यारे जैसे ही राम जी वन जाने को तैयार हुए, पीछे से लखन भैया आए। बोले प्रभु मेरा जन्म तो आपकी सेवा के लिए हुआ है, मुझे अपने चरण शरण में रख लीजिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। प्यारे सेवा देखनी हो तो लखन भैया से देखना, जिसने अपने सुख साधन राजपाट यहां तक कि धर्म पत्नी का भी त्याग कर दिया प्रभु श्री राम जी की सेवा के लिए। जैसे ही राम और लखन जाने लगे, पीछे से सीता मैया ने भी कहा हे प्रभु क्या इसीलिए विवाह किया था, क्या इसीलिए साथ फेरे लिए थे कि मैं तुम्हें सुख में भी साथ रखूंगा और दुख में भी साथ रखूंगा। जब मैं तुम्हारे सुख में भी साथ रही तो मैं दुख में भी तुम्हारे साथ ही रहूंगी। प्यारे राम लखन और सीता जी जाने लगे, जैसे ही वन में पहुंचे अयोध्या वासियों को पता लगा कि राम लखन सीता जी 14 वर्ष के लिए वन जा रहे हैं, सब तड़प उठे। और सब अयोध्यावासी क्या कह रहे हैं, जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, जो हमें छोड़कर जा रहे हैं। क्या कहते हैं अयोध्यावासी, कैसी घड़ी आज जीवन में आई, कैसी घड़ी आज जीवन में आई, अपने
कभी हमने जी भर के देखा नहीं चलाता था। जैसे केवट ने देखा प्रभु श्री राम आए हैं, प्यारे केवट की आंखों में आंसू बह निकले। ना जाने कितने सत्कर्मों के कारण आज मुझे तीनों लोकों के नाथ ने दर्शन दिया और मेरे नाव को पवित्र करने आए हैं। लेकिन केवट ने सोचा कि मैं प्रभु के चरणों को कैसे पखारूं, कैसे धोऊं, क्योंकि लखन भैया साथ है ना, वो ऐसे किसी को हाथ नहीं लगाने देते। ध्यान देना, तब केवट ने कहा महाराज क्या आज्ञा है? बोले हमें ये नदी से पार करा दो अपने नाव में बिठाकर। केवट ने बहाना बनाया, कहते हैं भगवान से मिलने का कोई भी बहाना हो, अगर भगवान मिल जाते हैं तो बहाना सफल हो जाता है। केवट ने कहा मैं प्रभु श्री राम को अपने नाव में नहीं बिठा सकता। बोले क्यों? बोले मैंने सुना है प्रभु श्री राम जादूगर हैं। मैंने सुना है प्रभु श्री राम जादूगर हैं। बोले कैसे? बोले मैंने सुना है प्रभु श्री राम ने एक पत्थर पे पैर रखा था। मैंने सुना है प्रभु श्री राम ने पत्थर पे पैर रखा था और वो महिला बन गई। कौन थी वो? अहिल्या। बोले अगर मेरी नाव पे पैर रख दिया वो महिला बन गई तो मैं क्या खाऊंगा और क्या पीऊंगा? बोले पहले मैं खुद चेक करूंगा हाथ लगा के प्रभु के चरणों को, उसके बाद बिठाऊंगा। देखो कितना बड़ा बहाना। अब प्रभु श्री राम समझ गए कि भक्त
मुझसे मिलने का बहाना ढूंढ रहा है, मेरे चरणों को स्पर्श करने का बहाना ढूंढ रहा है। अब प्यारे बड़े भाव से केवट ने प्रभु श्री राम के चरण पधारे, बोले आओ प्रभु बिना चुप। अब राम लखन और सीता जी नाव में बैठे। अब जैसे नाव पार कराई, लखन भैया ने कहा केवट जो उतराई, बोले प्रभु क्षमा करना मैं उतराई नहीं ले सकता। बोले क्यों? बोले जो काम मेरा है वही प्रभु श्री राम जी का, हमारा एक ही स्टाफ है। कहते जब स्टाफ से स्टाफ मिल जाता है तो किराया नहीं लेते। बोले जो काम मेरा है वही श्री राम जी का है। इतना सुनते ही लखन भैया को क्रोध आ गया, अरे केवट तू मेरे प्रभु श्री राम से बराबरी करता है। बोले क्षमा करना लेकिन सत्य कह रहा हूं, जो काम मेरा है वही श्री राम जी का। बोले कैसे? बोले मेरा काम है नदी से पार कराना, मेरा काम है नदी से पार कराना, और श्री राम जी का काम है भव सागर पार कराना। प्यारे इतना सुनते ही, और ये प्यारे बात भी सच में ध्यान देना, जो भगवान का नाम लेता है ना वो भव सागर पक्की बात है, अगर विश्वास करो तो। अगर विश्वास करो तो एक बूढ़ी मैया गांव में दही बेचने के लिए जाया करती थी। सारा दिन दही बेचती थी, ज्यादा कुछ बचता नहीं था, थोड़ा बहुत बचता था। एक नदी में उसे पार करने जाया था, सारा किराया वही खर्च हो जाता था। एक दिन क्या किया, दही बेचने जा रही थी, रास्ते में सत्संग हो रहा था। उस बूढ़ी मैया ने सोचा दही बेचने में ज्यादा तो कुछ मिलता नहीं, चलो थोड़ा सत्संग सुन लू, बैठ गई। आज तक सत्संग में नहीं बैठी, कभी कीर्तन में नहीं गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा बूढ़ी मैया को। और हम आपसे भी कहते हैं कि जरूरी नहीं पूरी भागवत कथा समझ में आए, एक शब्द भी आपने समझ लिया और उसे जीवन में उतार लिया तो आपका उद्धार निश्चित है। उस बूढ़ी मैया को एक शब्द समझ में आ गया। महात्मा ने कहा था जो भगवान का नाम लेगा भव सागर पार हो जाए। सिर्फ इतना उसको समझ में आया, बोले अच्छा महाराज चलते हैं। गई बेचने दही, अब रात हो गई, दही बिका नहीं, अब पैसे भी नहीं नाव जाने के लिए। तब उसने सोचा महात्मा ने कहा है जो भगवान का नाम लेगा वो भव सागर पार हो जाएगा, तो क्या मैं भगवान का नाम लेके बिना नाव के नदी पार नहीं कर सकती? अब तो क्या विश्वास के साथ वो नदी में चलने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी चमत्कार। देखो वो नदी में ऐसे चल रही है जैसे सड़क पे चल रही हो। अब तो हैरान हो गए कि चमत्कार हो गया, अब तो रोज वो बिना नाव के नदी पार करके उसका रोज किराया बसता। जब धन लाभ में हो गया उसने सोचा चलो महात्मा जी ने इतनी कृपा की है, अब मेरे पास थोड़ा धन भी हो गया, ऐसे महात्मा जी को मैं अपने घर में भोजन कराऊंगा। अब बूढ़ी मैया कुटिया में गई, महात्मा जी से कहा महात्मा जी आपने इतनी अच्छी बात बताई, मेरे पास धन भी इकट्ठा हो गया है, मेरा मन करता है आपको भोजन के लिए। महात्मा जी उसको मां के पीछे चल दिए। जैसे ही बूढ़ी अम्मा नदी के पास पहुंची, महात्मा जी ने कहा बूढ़ी मैया नाव कर ले। बूढ़ी मैया कहने लगी महात्मा जी आपने ही तो कहा था जो भगवान का नाम लेगा भव सागर पार हो जाएगा, और मैं तो रोज भगवान का नाम लेकर नदी पार करती हूँ, आप भी करो। अब महात्मा जी कहते हैं बूढ़ी खुद भी मरेगी और मुझे भी मरवाएगी, चल जल्दी से नाव कर ले। बोले महात्मा जी मैं सत्य
छुड़ाते हैं, बोले जा तू ही मर। बोले आपको विश्वास नहीं? बोले नहीं। बोले आपको अपनी बात पे विश्वास नहीं, लेकिन मुझे संत की वाणी पे विश्वास है। चलो ठीक है, पहले मैं चलती हूँ, फिर तू माना। अब बूढ़ी मैया महात्मा के सामने नदी में चल कहती है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। अब जैसे बीच नदी में पीछे मुड़के बूढ़ी मैया ने देखा, महात्मा जी भी वहीं खड़े हैं। बोले देखो महात्मा जी, अब तो आ जाओ। अब महात्मा जी ने सोचा, अरे जब ये अनपढ़ बूढ़ी मैया चल सकती है तो मैं तो बहुत बड़ा विद्वान हूँ। अरे बूढ़ी मैया चिंता मत कर, मैं भी आ रहा हूँ। देखो हम हर बार कहते हैं, जब भी भगवान ने रक्षा की है सरल आदमियों की है। जो अपने आप को विद्वान मानता है कभी भगवान ने उसकी सुरक्षा नहीं की। उस महात्मा ने कहा, मैं अभी आ रहा हूँ, चिंता मत कर। जैसे ही पैर रखा धड़ाम से पानी, बूढ़ी मैया वापस आई। बोले कोई बात नहीं महात्मा जी, आपको अपनी बात पे विश्वास नहीं, लेकिन मुझे आपकी बात पे विश्वास है। चलो आप मेरे विश्वास पे ही तर जाओगे। बूढ़ी मैया ने महात्मा जी का हाथ पकड़ा और दोनों मिलकर जाने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब प्यारे जाने, जैसे ही वन में पहुंचे और वहां पर एक राक्षस जिसका नाम था रावण। कौन कौन मानता है कि रावण एक राक्षस था? कौन कौन मानता है कि रावण एक विद्वान ब्राह्मण था? देखो रावण जैसा विद्वान ब्राह्मण ना तो आज तक हुआ है ना कभी होगा, लेकिन फिर भी उसका सर्वनाश क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर अहंकार था, अभिमान था। जब रावण का वध करके राम अयोध्या पहुंचे पुष्पक विमान में, तो कौशल्या माँ ने कहा, पुत्र राम, रावण को किसने मारा? तो राम जी ने कहा, रावण को मैंने मारा। कौशल्या मैया ने कहा, रे राम को तुमने मारा? बोले मैया मैंने नहीं मारा, राम को उसकी मैंने मारा। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि भगवान से कहना कि हमें सब कुछ देना मगर अभिमान मत देना। और प्यारे, चाहे इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, जब उसके अंदर अभिमान आ जाता है तो उसका सर्वनाश निश्चित है, ध्यान देना, चाहे कोई भी हो। अब हम चलते हैं अपने ठाकुर जी के जन्म उत्सव की ओर। प्राचीन देश में यदुवंशी राजा सूरसेन, उनके पुत्र वसुदेव जी, जिनका विवाह देवकी के साथ हुआ, और उनके चचेरे भाई का लड़का कंस, जो अपने रथ पर वसुदेव जी और देवकी को ससुराल लेकर जा रहा था, ध्यान देना, रास्ते में बिजली कड़की, आकाशवाणी हुई, रे कंस तू किसको लेकर जा रहा है? कंस ने कहा, मैं अपनी बहन को लेकर जा रहा हूँ। बोले ये तुम्हारी बहन नहीं, तुम्हारा मौत मृत्यु का कारण है, तुम्हारा काल है। कंस ने सोचा, शायद ये मेरा बहन है, रब नहीं रोका। थोड़ी और आगे गए तो नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी ने भी यही कहा, अरे कंस कहाँ जा रहे हो? बोले मैं अपनी बहन को ससुराल लेकर जा रहा हूँ। बोले तुम्हारी बहन नहीं, ये तुम्हारी मृत्यु का कारण है। बोले मेरी मृत्यु का कारण कैसे हो सकती है? बोले तुम्हारी बहन का आठवां पुत्र काल बनकर आएगा और तुम्हें मृत्यु के घाट उतार देगा। अब तो कंस ने सोचा, ना रहेगा बाण ना बजेगी बांसुरी, रक्त होगा। देवकी के केश पकड़े और जमीन पर बिठा के
तुम्हारी बहने क्या दुख रहा है? जल बाहर तुम्हें वचन देता हूँ, सभी संतान को अपने हाथों से मारता, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। सातवां पुत्र रोहित पुत्र को रोहिणी के घर में स्थापित करा थी। अज्ञाने जैसे आठवां पुत्र होने जा रहा था, देवी से श्री हरि नारायण भगवान कि मैं पुत्र के रूप में आऊंगा और तुम्हें कंस के अत्याचार से बचाऊंगा। अब देवी क्या कहती है, काली के स्वागत में क्या कहना है? आत्म की है राधा, आत्म की है राधा, आत्म की है राधा, आत्म की है जो भी नेक माई को ठाकुर जी की बधाई स्वरूप अर्पण करता है।
खुशियों की लाइन आ जाती है। बधाई 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 खुशियों का तुम्हें डूबे बधाई हो दुनिया
मिनट यार। Thank you.
ये सारा आ रहा है।